यजमान सम्मेलन में पधारे आप सभी बंधुओं को, बहनों को और आपके साथ YouTube चैनल पर बैठकर जो इस सम्मेलन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी बंधुओं को, बहनों को भी मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम। और आइए इस सत्र की औपचारिकता को पूर्ण करें। यजमान सम्मेलन के बारे में जितना मुझे बोलना था, जो कुछ मुझे निवेदन करना था, वो प्रातःकाल विस्तार से मैंने कर दिया था। अब कोई ऐसी बात बची भी नहीं जिसको मैं दोबारा से उसको रिपीट करूं, दोबारा से बोलूं। वो लगभग और मुझे लगता है कि वो बातें आपको समझ में भी आ गई होंगी। जो मैं कहना चाह रहा था वो लगभग स्पष्ट हो गया था। अब क्या सुनाएं, तो इच्छा हो रही थी, बहुत बहुत वर्ष क्या है, मुझे लगता है कभी गोस्वामी तुलसीदास जी को हमने नहीं सुनाया।
जिनकी लिखी हुई गाई हुई कथा गा रहे हैं वो कभी कभी इधर उधर के थोड़े प्रसंग में आ गए होंगे, लेकिन एक बार गोस्वामी जी के जीवन चरित्र का दर्शन करें, क्या महापुरुष था ये और कितने कष्टों में व्यक्ति कितना महानता को प्राप्त करता है। एक बार उसका दर्शन करने में मुझे तो अच्छा लगेगा ही, आपको भी अच्छा लगेगा। हमारे देश में एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं काशी के, राम गुलाम जी। उन्होंने गोस्वामी जी के बारे में चार पंक्तियां लिखी है। उन्होंने लिखा है कि गोस्वामी जी के इस मानस को पढ़ने का परिणाम क्या होता है। उन चार पंक्तियों में उन्होंने पूरे जीवन को ही भर दिया है, गोस्वामी जी का जो कुछ जीवन था पूरा भर दिया। तो राम गुलाम जी महाराज कहते हैं कि बन मानस हूँ बन मानस जात, ये सार ही कह दिया। मानस का अध्ययन, मानस का गायन, मानस का पाठ पारायण करने वाला अगर बन मानुष है, जंगली जैसा है, वो भी मनुष्य बन जाता है। बन मानुष हूँ बन मानस जात, जो मानस में नित मानस राखे, भावे नहीं कविता काऊ और की, जो तुलसी रस माधुरी चाखे। सार की बात सुनो धरी ध्यान, राम गुलाम जी बोल रहे हैं, सार की बात सुनो धरी ध्यान, ये राम गुलाम असत्यन भाखे, एक दिना मिल जाएंगे राम, जो मानस माही लगी रहे आंखें। आइए आगे आ जाइए, आदरणीय रामनिवास गोयल जी का शुभागमन, हमारे दिल्ली विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष और बहुत प्रारंभ से हमसे जुड़े हुए और पूर्वी दिल्ली की कथाओं की शुरुआत ही आदरणीय रामनिवास जी के द्वारा हुई है। आइए स्वागत है। स्वागत की घड़ी में बाद में लेता, लेकिन शुरुआत हो गई। हमारे देश के बड़े प्रसिद्ध कथाकार अतुल कृष्ण गोस्वामी जी भी विराजमान हैं। बैठिए, स्वागत है आपका, बैठिए। ये हमारे सुनील कौशल जी भी बहुत अच्छे कथाकार हैं, ये भी इसमें उपस्थित हैं, इनका भी स्वागत है। आदरणीय विवेक शुक्ला जी लखनऊ से, हाईकोर्ट के बड़े प्रसिद्ध वकील, बहुत सरल बहुत मधुर स्वभाव के धनी, आपका भी हम सब मिलकर स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। और तो कोई ऐसे सज्जन नहीं है जिनको मैं बोलूं, हैं? जिनको ऐसा लगता होगा कि आदरणीय राकेश जी साथ ही हैं, आपका बहुत सुंदर भवन है जिसमें आजकल हम लोग कथा करते हैं, बहुत चमचमाता हुआ, उसमें कथा करने की इच्छा कम होती है, शादी करने की इच्छा ज़्यादा होती है। वो ऐसा चमचमाता हुआ भवन है कि बहुत आनंद है। हमारी नहीं, लेकिन जो शादी करते हैं तो हम बताते हैं कि वहाँ करो अगर दिल्ली करना है तो। और कोई पानीपत के सब बंधुओं से परिचय हो ही गया था, ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। चलो फिर राम गुलाम जी को गा लो। बन मानस हूँ बन मानस जात, जो मानस में नित मानस राखे, भावे नहीं कविता काऊ और की, जो तुलसी रस माधुरी चाखे। सार की बात सुनो धरि ध्यान, जे राम गुलाम असत्यन भाखे, एक दिना मिल जाएंगे राम, जो मानस माही लगी रहे आंखें। संपूर्ण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जैसे बिल्कुल पूरा एसेंस ही निचोड़ कर निकाल दिया हो। गोस्वामी जी क्या हैं? बोले मानस ही तुलसीदास जी हैं और तुलसीदास जी ही मानस हैं। राम दर्शन करना है,
राम गुलाम जी कहते हैं कहीं मत भटकिए। आज उनका दर्शन करते हैं, बहुत इच्छा थी बड़े दिनों से कि एक बार गोस्वामी जी को गाया जाए। अच्छा बढ़िया स्थान है, शांत वातावरण है, इतने सब सुधी श्रोता विराजमान हैं, और इससे बढ़िया मौका मुझे कुछ लगा नहीं। इसलिए मेरे मन में भी आ गया कि मत चूके चौहान, आता है ना, अतुल जी को याद होगा क्या है ये, सात बाण इधर नहीं चलाना, लेकिन यार हाँ बाण चलाना पीछे की ओर चलाना। क्यों? अच्छा, गोस्वामी जी के लिए लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है कि वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जन्म लेकर आए थे। भविष्य पुराण कहता है, वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति रामचंद्र कथाम साध्वी भाषाम रूपाम करिष्यति। वाल्मीकि जी स्वयं गोस्वामी जी के रूप में कलकाल में इस भगवत कथा का गायन करने के लिए प्रकट होकर आए थे। वाल्मीकि जी की 100 करोड़ श्लोकों की रामायण को गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के रूप में गायन किया है। चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। 100 करोड़ रामायण बोली, ऐसा शास्त्र में वर्णन आता है। तुलसीदास जी के पहले ही वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोकों की राम कथा लिख दी थी। उसी का एक प्रकार से पुनर्गायन हिंदी भाषा में लोगों की समझ में आए। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम नास्ति भूल गया भाई, भूल गया, रटके लाए थे ना तो भूल गए। एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। ऐसी कथा आती है कि हनुमान जी के श्राप से ही वाल्मीकि जी को तुलसीदास जी के रूप में जन्म लेकर और राम कथा का पुनर्गायन करना पड़ा। वाल्मीकि जी को एक बार हनुमान जी ने श्राप दिया था। घटना आती है कि श्री हनुमान जी ने अपने तीखे नाखूनों से एक बार पर्वत की शिलाओं पर राम कथा का वर्णन लिखा था, बहुत सुंदर दिव्य। अचानक वहाँ वाल्मीकि जी घूमते घूमते पहुँच गए तो राम कथा की इतनी सुंदर व्याख्या वर्णन देखकर नाचने लगे, भाव विभोर हो गए। लेकिन दूसरे क्षण वाल्मीकि जी के मन में एक दुख भरा विचार आ गया कि इतनी सुंदर कथा इन्होंने लिखी है, जिसने भी लिखी है, इसके सामने मेरी कथा को कोई पढ़ेगा नहीं, ना कोई सुनेगा, मेरी कथा मेरी रचना और ये मूल्यहीन हो जाएगी। इतने में हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा कि आप कोई वरदान मांगना चाहते हैं, हमसे वरदान मांगिए, हम बहुत प्रसन्न हैं। चूंकि वाल्मीकि जी पहले नाचते, तो हनुमान जी ने उनको नाचते हुए देखा था कि क्या श्रोता है, कितना बढ़िया भगवत कथा का प्रेमी है। तो हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले मांगिए आपको क्या चाहिए। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि अगर मेरी मांग पूरी करना चाहते हैं तो आप अपनी इस रचना को समुद्र में डुबो दीजिए, यही मेरी मांग है। श्री हनुमान जी तो वचनबद्ध थे, उन्होंने रचना को डुबो दिया। लेकिन डुबोते डुबोते कह दिया कि तुमने कलयुग जैसा व्यवहार किया है, इसलिए मेरा श्राप है कि तुमको कलयुग में पुनः मनुष्य जन्म लेकर आना पड़ेगा और श्री राम कथा का गायन करना पड़ेगा, तब तुम्हारा सारा व्यवहार एक कलयुग जैसा है। शीश झुकाकर वाल्मीकि जी ने हनुमान जी के श्राप को शिरोधार कर लिया, स्वीकार कर लिया।
तो हनुमान जी इतने प्रभावित हुए मुनि की सहनशीलता से, हनुमान जी ने पुनः एक आशीर्वाद दे दिया, ठीक है कल काल में आप जन्म लेकर जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे और हर संकट में हम आपकी सहायता करेंगे। उसी आशीर्वाद और शाप के वशीभूत यही वाल्मीकि जी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के यमुना जी के किनारे एक छोटा सा गांव राजापुर, वहां पंडित आत्माराम दुबे और माता हुलसी के गर्भ से जन्म लेकर आते हैं। ऐसी कथा आती है कि 12 महीने तक गोस्वामी जी माँ के गर्भ में रहे थे। इनका जब जन्म हुआ श्रावण शुक्ला सप्तमी, तो बालक रोया नहीं था। सामान्यतः बालक जन्म लेता है तो रोता है या उसे रुलाया जाता है। अगर बालक रोता नहीं है तो समझते हैं कि बालक बीमार है या कोई दिक्कत है, तो बालक को या तो रोएगा नहीं तो उसको रुलाते हैं, कुछ क्रिया करके उंगली वगैरह डाल के कुछ भी करते हैं। बालक रोया नहीं और एक बार राम नाम बोला और तभी से इनका नाम राम बोला पड़ गया था। जन्म लेते ही इन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया था। जन्म के समय लगभग ऐसा लगता था कि बालक 5 वर्ष का है। मुंह में सारे दांत जमे हुए थे। नालोच्छेदन करने वाली मेहरी बताती थी कि जिस समय मैं नालोच्छेदन कर रही थी उस समय मुझे शंख की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी और उसको सुनकर प्रसूति गृह में जितनी और महिलाएं थी वो तो डर के मारे सब भाग गई और सब अपनी अपनी गलियों में जाकर शोर करने लगी कि पंडित जी के घर में किसी राक्षस ने जन्म लिया है। नियम ये है कि जब पुत्र का जन्म होता है तो सबसे पहले उसका मुख पिता को दिखाया जाता है। तो पंडित जी से कहा कि पुत्र जन्म हुआ है, मुख देखिए। बोले ऐसे बालक का क्या मुख देखना, मैं नहीं देखूंगा, पिता ने ही मना कर दिया, ऐसे अभागे बालक का क्या मुख देखेंगे। मोहल्ले के लोगों ने समझाया, पंडित जी घबराइए मत, ऐसे बच्चे ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रहते, 8-10 दिन प्रतीक्षा करिए और उसके बाद ही जो भी वैदिक लौकिक जो भी संस्कार होते हैं उसके बाद करिए, ऐसे बच्चे ज़्यादातर ज़्यादा जीवित नहीं रहते। और हुआ भी यही। तीसरे दिन रात्रि को हुलसी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और माँ को लगा कि मैं अब बच नहीं पाऊँगी, बच्चे की चिंता हुई। तो प्रसव के लिए इन्हीं के गांव की चुनिया नाम की एक लड़की थी जो पास के हरिपुर के गांव में ब्याही थी, तो बच्चे के लिए उन्होंने अपने इधर बुला लिया था उसे, तो वो सेवा में थी। तो हुलसी माँ ने चुनिया को बुलाया और कहा, चुनिया मेरे तो जीवित रहने का अब कोई संकेत मेरे पास नहीं है, मेरा तो शरीर जा रहा है, लेकिन तू मेरे बच्चे की रक्षा करना। मेरा दाह संस्कार तो मेरे घर के लोग बाद में करेंगे, मेरे बच्चे को जिंदा ही यमुना जी में डुबो के मार देंगे, तो मेरे हृदय धन को प्राण धन को तू ले जा, ससुराल चले जा, इसकी रक्षा करना। और जो कुछ भी जी चीज छोटी मोटी चेन वगैरह को गले में पहनी थी, हाथों में कड़े वगैरह जो भी उस समय के जेवर का होगा उतार कर उसको दे दिया कुछ रुपया पैसा, और जब तक परिवार के मोहल्ले के लोग जागें उससे पहले रात में ही तू निकल के चली जा। और अपने प्राण धन को हुलसी माँ ने चुनिया की गोद में दे दिया और सभी देवताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवताओं मेरे बच्चे की रक्षा करना। चुनिया यहाँ से चली गई और अगले दिन एकादशी को प्रातःकाल माँ हुलसी ने अपना शरीर छोड़ दिया। इधर हरिपुर पहुंच गई, सास की गोद में बालक दे दिया, सास भी बड़ी प्रसन्न हुई, लाड़ प्यार से दोनों पालन पोषण करने लगे। लेकिन दुर्भाग्य जब पीछे लग जाता है तो हर कदम पर आकर खटकाता है। फिर दुर्भाग्य आ गया, चुनिया की सास की अचानक किसी कारण से मृत्यु हो गई। बालक लगभग 4-4.5 साल का हुआ,
एक दिन खेत में घास काटने गई थी गाय के लिए, काले नाग ने डस लिया, जो था वो भी अभागा रह गया। उस चुनिया की सास भी चली गई, चुनिया भी चली गई। हरिपुर के उस मोहल्ले के गांव के लोगों ने बच्चे का मुंह देखना बंद कर दिया, ये तो अभागा है, ये तो अनिष्ट है, ये तो दुख दर्द है, ये तो कोई भूत प्रेत का अवतार है। आप कल्पना करो, 4-4.5 वर्ष का छोटा सा अबोध बालक भूखा प्यासा गलियों में घूमता है, किसी के द्वार पर चढ़ने की कोशिश करता है, महिलाएं माताएं छोटे बच्चों से धक्का मरवा के उसे बाहर निकाल देती हैं, द्वार से फेंकवा देती हैं, सीढ़ी पर नहीं चढ़ने देना, अनिष्ट है ये, हमारे यहाँ अनिष्ट हो जाएगा, अभागा है ये, गली में इधर से उधर दौड़ता है। माताएं दिखाई देती हैं तो पेट खोलकर दिखाता है, भूख लगी है भूख लगी है, कभी मुंह का इशारा करता है, कभी पेट खोलता है। गोस्वामी जी ने अपने बचपन की इस दुर्दशा का वर्णन अपने हाथों से लिखा है, बारे ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन। बचपन से बिललात शब्द प्रयोग किया है, जैसे बालक बिलखता है, बारे ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन, जानत हूँ चार फल चार ही चनन को। कोई कुत्तों को लोग रोटी डाल देते और ऐसे डालते कि कुत्ते की ओर रोटी चली जाए, उसको झपट के बालक न खा ले। 4-4.5 वर्ष का बालक भूखा बिलख रहा है, किसी को तरस नहीं आ रहा है, कुत्ते को रोटी दी जा रही है, पक्षियों को दाना डाला जा रहा है, बंदरों को चने डवाए जा रहे हैं। जब बंदरों को कोई चना डालता था तो ऐसे दूर डालते थे कि बालक झपट्टा मार के वहां से बंदरों के चने न खाने लग जाए। तो कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता था कि इनके हाथ में 4 चने रख देता था। गोस्वामी जी ने उसी का वर्णन किया, बारे ते ललात बिललात द्वार द्वार दीन, जानत हूँ चार फल चार ही चनन को। मुझे कोई 4 चने के दाने मेरे हाथ पर रख देता था, उस समय मुझे लगता था कि चारों जीवन के फल धर्म अर्थ काम मोक्ष मुझे प्राप्त हो गए। गोस्वामी जी ने अपनी कलम से लिखा है, मातु पिता जग जाई तजो, मातु पिता जग जाई तजो, विधि हुन लिखी कछु भाल भलाई, नीच निरादर भाजन कादर, कूकर टूकर लागी ललाई, राम स्वभाव सुनो तुलसी, प्रभु सो कहो बारक पेट खलाई, स्वार्थ को परमार्थ को, रघुनाथ सुसाहिब खोरे न लाई। अपने कर कमलों से गोस्वामी जी लिखते हैं, मात पिता जग जाए तजो, जन्म होते ही माता ने पिता ने मुझे त्याग दिया, तज दिया, मात पिता जग जाए तजो, विधि हुन लिखी कछु भाल भलाई, नीच निरादर भोजन कादर, कूकर टूकर लाग ललाई। कुत्तों की तरह टुकड़े बीनने का काम, कोई टुकड़े भी नहीं उठाने देता था, धक्का मार देते थे, बच्चों से डंडा लेके भेज देती थी महिलाएं, मार मार के गांव के बाहर कर आओ, इसको आने नहीं देना है, बंदरों को चने डाले जा रहे हैं, बालक भूखा बिलख रहा है, बाबा 4 दाने थोड़े चने मुझे भी दे दो, कोई कोई तरस खाता है, 4 दाने केवल इसलिए रखता है हाथ पर के बंदर के चने न खा ले। गांव की गली में मारा मारा घूमता है, किसी को तरस नहीं आता। और जगत से ठुकराए जाने के बाद गोस्वामी जी ने जगत पिता का द्वार खटखटाया। गांव के बाहर, हरिपुर के बाहर एक बहुत खंडहर सा मंदिर था, भगवान शिव की पिंडी विराजमान थी। गोस्वामी जी घूमते घूमते, बालक था, राम बोला नाम था, घूमते घूमते घिसटते घिसटते गिरते पड़ते शंकर जी के द्वार पर टूटे खंडहर मंदिर में पहुंच गए। शंकर जी की पिंडी को देखते ही गोस्वामी जी ने अपनी फटी हुई कमीज पेट उघाड़ कर दिखा दिया, पेट उघाड़ कर दिखा दिया। शंकर जी रो पड़े, मंदिर में ही वही गिर गया, बेहोश हो गया, सो गया, ईश्वर जाने क्या हुआ, वही पड़ गया। इधर कैलाश में बैठकर भगवान शिव रो रहे थे तो पार्वती जी आ गई, अचानक, प्रभु आप रो क्यों रहे हैं, क्या बात है, क्यों रोते हैं?
और ज्यादा हिलकी भर के रोने लगे। अरे बताइए ना बात क्या है? बोले मेरा बालक भूखा पड़ा है, उसे कोई रोटी नहीं देने को तैयार, कई दिनों का भूखा बालक मारा मारा घूम रहा है मेरे द्वार पर पड़ा हुआ। देवी हरिपुर जाओ, उस बालक को जगाकर भोजन करा के आओ। भगवान शिव की कृपा से पार्वती जी एक बूढ़ी बुढ़िया का रूप धारण करके हरिपुर आती हैं, पता लगाती है कि बालक कहाँ है, वो कहाँ, वो बालक जो मारा मारा घूमता था मंदिर में सो रहा था एक पेड़ के नीचे, भूखा प्यासा बालक बेहोश जैसा पड़ा था। पार्वती जी ने पीठ थपथपाकर बालक को जगाया, सिर पर हाथ फेरा, छाती से लगाया, गोद में बैठाया, बेटा भोजन करो। पार्वती जी बहुत लाड़ से बहुत दुलार से भोजन करा के चली जाती है। बालक अनाथ से सनाथ हो गया, अब उसकी माँ मिल गई उसको। बहुत लंबे समय तक, कई महीने ये क्रम चलता रहा। गांव में चर्चा होने लगी कि आजकल वो रामबोला नहीं आता है, खाता पीता कहाँ है, कहाँ रहता है। खोज हुई तो गांव के एक बूढ़ी बुढ़िया चोरी से, जिस समय पार्वती जी भोजन करा रही थी, उसने दूर से छुपकर देख लिया कि कोई बूढ़ी महिला आती है और भोजन करा के चली जाती है। उसने गांव में शोर कर दिया कि कोई बूढ़ी महिला आती है, उस बच्चे को भोजन करा के चली जाती। पार्वती जी भी गायब हो गए, उनका भी आना बंद हो गया, बालक फिर अनाथ का अनाथ हो गया। शिव जी से रहा नहीं गया, शंकर जी चित्रकूट में प्रकट होते हैं। उस समय स्वामी रामानंदाचार्य जी के प्रमुख शिष्य अनंतानंद जी, उनके कृपा पात्र स्वामी नरहर दास जी महाराज। मुझे गोस्वामी जी की जीवनी इसलिए भी अच्छी लगती है कि गोस्वामी जी के भी गुरु जी नरहर दास जी महाराज थे, और भगवत कृपा से हमारे भी गुरु जी नरहर दास जी महाराज थे, इसलिए मुझे गोस्वामी जी का चरित्र बहुत अच्छा लगता है। हम भी ऐसे धक्के खाकर कई दिनों के भूखे प्यासे गुरु जी के चरणों में आए थे, और बहुत दुलार से उन्होंने हमको शरण दी थी, और उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से आज हम व्यासपीठ पर बैठे हुए कथा गा रहे हैं। तो गुरु ही होता है, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो प्रकट हो गए कुटिया में शंकर जी, भजन में बैठे थे नरहर दास जी महाराज। शंकर जी ने पहले राम तत्व का उपदेश किया, रामचरितमानस की कथा सुनाई, और कहा नरहर दास जी हरिपुर जाइए, एक रामबोला नाम का बालक वहाँ भूखा प्यासा घूमता है, आगे वो महान बनेगा, राम स्वयं का वर्णन करेगा, जगत का उद्धार करेगा, इसीलिए उसे वहाँ से लेकर आइए, उसको पढ़ाइए लिखाइए शास्त्रों का, उसको ज्ञान कराइए, और आगे चल के वो भगवान की कथा का महिमा गाएगा, उसका वर्णन करेगा। पूरी रात शंकर जी की भाव दशा सुनकर, शंकर जी का दर्शन करके, उनकी वाणी सुनकर गदगद हो गए, फिर सोना कहाँ, जल्दी से उठे, स्नान आदि से निवृत्त हुए, चल दिए हरिपुर के लिए। अब कहाँ ढूंढे बच्चे को, तो पूछते पता लग गया कि उस मंदिर में कोई बालक एक पड़ा रहता है। वहाँ पहुँचे, भूखा प्यासा बालक पड़ा हुआ था। नरहर दास जी ने बहुत प्यार से उठाकर छाती से लगाया, ऐसा लगा जैसे उसको उसकी माँ मिल गई हो। गोस्वामी जी ने इसका अपने मानस में वर्णन किया है, ऐसा लगा मुझे कि नर के रूप में हरि ही मुझे साक्षात मिल गए हूँ। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, कृपा के सागर मनुष्य के रूप में मुझे साक्षात नारायण ही जैसे मिल गए हो। बहुत लाड़ प्यार किया। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद उनको अयोध्या साथ ले आए, अयोध्या में सरयू स्नान कराया, कुछ वहाँ 4-6, 10-20 दिन जो भी रहे होंगे चित्रकूट में, कुछ विद्याध्ययन कराने लगे, कुछ मंत्र श्लोक याद करा दिए। अयोध्या आते ही एक पुरोहित जी को बुलाकर यज्ञोपवीत संस्कार कराया, और पुरोहित जी ने जब गायत्री मंत्र का उच्चारण किया
तो एक बार के उच्चारण को इतना शुद्ध दोहरा दिया कि पुरोहित दंग रह गए कि इतना प्रतिभाशाली बालक तो आज तक हमने कितने बच्चों को और संस्कार कराया है, कितने बच्चों को हमने यज्ञोपवीत कराया है, इतना प्रतिभाशाली बालक देखा नहीं। और बालक का नाम रखा तुलसीदास। अब राम बोला, बालक तुलसीदास हो गया। 10 महीने लगभग अयोध्या में निवास किया। उसी समय पौष मास में सरयू घाघरा के संगम पर सूकर क्षेत्र में कल्पवास का एक आयोजन होता है। बहुत सारे गृहस्थी, विरक्त, साधु, महात्मा, ब्रह्मचारी, तपस्वी एक मास का कल्पवास करने के लिए सूकर क्षेत्र में जाते हैं, स्नान करते हैं। बालक को लेकर स्वामी नरहरदास जी महाराज सूकर क्षेत्र आ गए, एक मास का कल्पवास किया। वहीं उन्होंने भगवान शिव की कथा सुनाई और वही जो शंकर जी ने रामचरितमानस सुनाया था उसका पाठ सुनाने लगे। गोस्वामी जी के जीवन में आपने देखा है कि भगवान शिव और पार्वती जी के प्रति बड़ी भाव है, बड़ी श्रद्धा है। उसका कारण था कि एक दिन नरहरदास जी ने भगवान शिव की अहित की कृपा का वर्णन किया था। बालक, तुमको शंकर जी ने मुझे सौंपा है, शंकर जी स्वयं आकर। तो यहाँ कथा सुनते थे, इसका भी गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। मैं पुन निज गुरु सन सुनी, मैं पुन निज गुरु सन सुनी, कथा सो सू कर खे समझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे अचे। उस समय मैं बालक था, मेरे गुरुजी ने कई बार मुझे कथा सुनाई, नहीं समझ पाया। तदपि कही गुरु बारे बालपन तब अत रहे अचेत। वहां कथा सुनी, उसका वर्णन उन्होंने मानस में लिखा है। एक रात की बात, बालक गुरुजी की चरण सेवा कर रहा था, पैर दबाते 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 बचपन की बातें याद आ गईं और बचपन की दर्द भरी कथाएं, साथ के हुए व्यवहार को बालक रो रो कर बताने लगा। और बोलते 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 कथा सुनाते सुनाते जीवन की दर्द की कहानी सुनाते सुनाते हिलकी भर भर कर रोने लगा। और उसकी दर्द भरी कहानी को सुनकर गुरुजी भी द्रवित हो गए, एकदम बैठकर बच्चे को छाती से लगा लिया, जैसे कोई माँ अपने रोते बिलखते बच्चे को अपनी छाती से लगाकर मुख चूमती है, सिर सूंघती है, पीठ थपथपाती है, रो मत बेटा रो मत। और रो ये कहते कहते बालक तो चुप हो गया, गुरुदेव फूट फूट कर रोने लगे। बहुत द्रवित हुए, बहुत द्रवित हुए। यहाँ कुछ दिन निवास करने के बाद काशी आ गए।
काशी में पंचगंगा घाट के पास उस समय स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज निवास करते थे, वहीं आसन लगाया। और रामानंदाचार्य जी महाराज के पास उस समय के बड़े सिद्ध तपस्वी संत शेष सनातन जी महाराज, उस समय के प्रकांड पंडित विद्वान, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान उनसे वेदाध्ययन करने, शास्त्र अध्ययन करने आया करते थे। उन्हीं के चरणों में स्वामी नरहरदास जी महाराज ने तुलसीदास जी को समर्पित कर दिया, इसको विद्याध्ययन कराइए। कुछ दिन निवास करने के बाद स्वामी नरहरदास जी महाराज तो चित्रकूट आ गए, गोस्वामी जी वेदाध्ययन में रम गए। इनकी प्रतिभा को देखकर वयोवृद्ध संत भी चमत्कृत हो गए कि इतना ज्ञान, इतनी प्रखर मेधा, एक बार जो बोले उनको कंठस्थ हो जाता था। और 15 वर्ष का सुदीर्घ विद्या अध्ययन, ऐसी कथा आती है कि विद्या अध्ययन के समय एक घटना घटित हुई, जहाँ निवास करते थे वहाँ और भी विद्यार्थी रहा करते थे, तो उस आश्रम में एक पीपल का वृक्ष था, उस पर एक पिशाच रहता था। तो बच्चों को, विद्यार्थियों को बहुत तंग करता था, कोई बालक रहना पसंद नहीं करता था, सब में भगदड़ मच गई। तो गोस्वामी जी ने उस समय विद्यार्थी काल में जब वो विद्याध्ययन कर रहे थे, हनुमान चालीसा की रचना की और सबको बिठाकर कहा कि हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करो, ये बाधा यहाँ से चली जाएगी। हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने उसका उल्लेख भी किया है, भूत पिशाच निकट संसार के लोगों के लिए एक अमोघ अस्त्र देकर चले गए गोस्वामी जी। सारे विश्व में हनुमान चालीसा के बराबर कोई दूसरा ग्रंथ का पाठ पारायण नहीं हुआ करता। कितना भी पढ़ा लिखा फैशनेबल होगा, आधुनिक विचारों का होगा, कुछ भी नहीं मानता होगा, हनुमान चालीसा का पाठ वो भी चुपचाप कर लेता है। पाठ नहीं करता होगा तो हनुमान चालीसा कहने के जेब में, अटैची में, कहीं ना कहीं वो रखता जरूर है। पूरे विश्व में हनुमान चालीसा के बराबर किसी की ख्याति नहीं है, किसी की ख्याति नहीं। इधर शेष सनातन जी का शरीर पूरा हो गया, वो अपनी इहलीला समाप्त कर परलोक सिधार गए। गोस्वामी जी की विद्या अध्ययन का पूरी सीमा पूरी हो गई, जो कुछ भी उनको अध्ययन करना था पूर्ण हो गया। गुरु जी भी नहीं रहे तो ये वहाँ से अपनी जन्मभूमि राजापुर आ गए। राजापुर आए, चूंकि जब गए थे तो गोद के बालक थे, एकदम उसी 3 दिन के बालक थे, उन्हें तो कुछ मालूम नहीं था। पता लगाया तो जो पुराना पैतृक मकान था वो खंडहर हो चुका था,
परिवार के सभी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, परिवार में कोई बचा नहीं था। गांव के लोगों को बताया कि मैं ऐसे हूँ, ऐसे हूँ, ऐसे हूँ, तो गांव के लोगों ने मिलजुल कर पैसा वैसा इकट्ठा करके उनका मकान बनवा दिया और यमुना पार तारापीतू नामक गांव में उनकी शादी करवा दी। अच्छा जीवन चल रहा था, लेकिन ईश्वर की जब कृपा होती है तो कई रास्तों से कृपा होती है, केवल प्रेम से ही नहीं होती, कई बार और कारणों से भी होती है। मूल ये है कि हमारे साथ घटना क्या हुई ये महत्व की बात नहीं है, घटना हमको किस दिशा में ले गई, कहाँ ले गई, ये महत्व की बात है। अगर जीवन में घटी हुई घटना हमको प्रतिशोध की ओर ले जाए, आक्रोश की ओर ले जाए, अपराध की ओर ले जाए, अशांति की ओर ले जाए, अंधकार की ओर ले जाए, तो वो कैसी भी अच्छी घटना क्यों न हो वो हमारे लिए पाप है। और अगर किसी की फटकार, किसी की डांट, किसी के दो थप्पड़, किसी के हाथ का धक्का, चार कड़ी बातें अगर हमको धर्म की ओर ले जाए, सन्मार्ग की ओर ले जाए, सत्कर्म की ओर ले जाए, तीर्थ की ओर ले जाए, शास्त्रों की ओर ले जाए, ईश्वर की ओर ले जाए, भजन की ओर ले जाए, तो वो भी मंत्र ही मान लेना चाहिए, वो भी गुरु मंत्र ही मानना चाहिए। घटना क्या होती है ये बहुत महत्व की बात नहीं, वो घटना हमको लेकर कहाँ जाती है महत्व की बात ये है। माता पिता कई बार बहुत लाड़ प्यार करते हैं, बच्चे को बिल्कुल आंखों से ओझल नहीं होने देते, लेकिन वो लाड़ प्यार कई बार बच्चों को अंधकार में धकेल दिया करता है, उसको बिगाड़ देता है। और कई बार माता पिता की फटकार, डांट, दो कड़े थप्पड़ उसको अच्छे सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं, बुराई को छुड़वा देते हैं। तो घटना क्या होती है इसका बहुत महत्व नहीं होता, घटना का परिणाम क्या हुआ, घटना हमको लेकर कहाँ चले गए, हमको कहाँ जाकर खड़ा किया। तो गोस्वामी जी के जीवन में इसका बहुत वर्णन है और लगभग लगभग सभी विद्वानों ने लिखा है कि पत्नी ने ऐसी फटकार लगाई जो पत्नी के प्रति बहुत प्रेम था, आसक्ति थी, एक क्षण भी पत्नी के बिना रह नहीं सकते थे। वो घटना की चर्चा मैं नहीं करूँगा, वो सब लोग जानते हैं। और पत्नी ने जो कुछ बोला था वो भी मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं उसे बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो कहते हैं कि उसके कारण से गोस्वामी जी को वैराग्य हो गया। वैराग्य पत्नी की फटकार से नहीं होता, अगर पत्नी की फटकार से वैराग्य होता तो हर घर में वैरागी बैठे होते, हर घर में वैरागी बैठे होते। यहाँ जो बैठे हैं उनके साथ तो बहुत ही अच्छा है, वहाँ तो कुछ ऐसा होता नहीं, लेकिन मैं तो बाहर की बात बोल रहा हूँ, जो नहीं आए तो उनके लिए बोल रहा हूँ। पत्नी को आदत भी होती है। एक बार मैंने एक बहन को पूछा, हमने कि ये बताइए आप अपने पति को बहुत फटकारती हो, इतना तो ठीक नहीं लगता है, इतना क्यों फटकारती हो। तो उन्होंने हमसे उत्तर तो नहीं दिया, उन्होंने दूसरा प्रश्न कर दिया, बोले आप कपड़े धोते हैं कि नहीं। मैंने कहा हाँ धोते। बोले तो सुखाने से पहले उसको फटकारते हो कि नहीं फटकारते हो। मैंने कहा अच्छी तरह फटकारते। तो पूछो क्यों फटकारते हो। हमने कि सीधा बना रहे कपड़ा, सरवट बढ़ जाए। बोले तो हम भी यही करते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा ताली बजा कौन रहा है। अरे कौन, ये तो निर्णय अध्यक्ष जी देंगे, उनका ही काम होता है ये तो। तो ऐसा नहीं है, ईश्वर की जब कृपा होती है, भगवान जहां ले जाए, हमारे आचार्य गाते हैं जहां ले जाए, जहां ले चलो जहाँ।
और जो जागत है सो पावत है, अभी तक सो रहे होंगे, जाग गए, किसी भी कारण से जागे हों, फटकार से जागे हों, उपदेश से जागे हों, घटना से जागे हों, परिस्थिति से जागे हों, गांव के लोगों की दशाएं देखकर जागे हों, जो भी कारण रहा होगा, वियोग में आकर पत्नी ने भी प्राण छोड़ दिए, उनकी भी शरीरांत हो गया, जो साला था उसने बहुत प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, गोस्वामी जी किसी प्रकार मानने को तैयार, वहां उन्होंने एक पद गाया है, पद लिखा है विनय पत्रिका में, बड़ा प्रसिद्ध पद है, अब नहीं होने देंगे, अब जाग गए, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत, और जागा कब है जीव जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा, सब विषय विलास
जब जागा, जब सब विषय विलास विराग। देखो विषयों को त्यागने की कहीं बात नहीं है, संसार में हम आए हैं, इंद्रियां हैं, उनके विषय हैं, आंखों का विषय है, नाक का विषय है, कानों का विषय है, हाथ के विषय है, शरीर की जो इंद्रियां हैं उनके अपने विषय हैं, उनके अपने भोग हैं, उनके अपने भोजन है, इसकी मना नहीं है, इसकी मना नहीं है। विषयों की विलासता, इसके बिना हम रह ही नहीं सकते, इसे खाए बिना जिंदा बचेंगे ही नहीं, इसे बिना पिए हम बिल्कुल मारे ही जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, कोई अर्थ नहीं होगा जीवन का। तो जो विषय है उसकी जो अपरिहार्यता है, उसकी जो विलासता है, ये मृत्यु है। विषय तो जीवन है, आखिर नाक का भी एक सुगंध लेने का एक विषय है, आंखों को भी सौंदर्य देखने का उसका एक विषय है, कानों को भी मधुर संगीत सुनने का उसका एक विषय है, लेकिन इसके बिना हम रह नहीं सकते। ये चाहिए ही चाहिए सुनने के लिए, ये सूंघने को चाहिए ही चाहिए, जीभ को ये स्वाद चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हम बेचैन हैं। तो इसको कहा होय विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुराग। विवेक जागृत, विवेक बहुत लोगों के नाम होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि विवेक हो ही हो, नाम तो पंडित जी ने रख दिया। विवेक कहते हैं स्पष्ट बेबाक चिंतन, बेबाक भक्क उजाला, किसी प्रकार का संशय नहीं, एकदम स्पष्ट, जैसे सूर्य उदित होने पर सब चीजें भक्क दिखाई देने लगती, स्पष्ट दिखाई देने लगती है, इसको कहते हैं विवेक। बेबाक से विवेक शब्द बनाए, या विवेक से ही विवाक शब्द बनाए, मालूम नहीं था, समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, अंदाज नहीं आ पाया, ये केवल मन को समझाने और भ्रमित करने की बातें होती हैं। सब जानते, सब समझते, सबको मालूम होता है, चूंकि विवेक नहीं है, जागृत नहीं है, इसलिए हम उसको अपने पक्ष में करने के लिए मालूम नहीं था, नहीं तो हम कभी उधर जाते नहीं, वो तो कभी छूते ही नहीं, पीने की तो बातें क्या, हम तो उसको देखते भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब जानते हैं। चूंकि विवेक शून्य रहता है, बुद्धि कहती है कर लो ले लो ले लो, दो घूट में कोई बुराई नहीं है, इतने बड़े व्यक्ति हैं, संबंध बन जाएंगे, आगे काम आएंगे, इसमें क्या जाता है, गंगा नहा लेना, ऐसा है और वैसा है। तो ये मन जो है, ये मन बड़ा चंचल है। क्या है भाई वो, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, yeah।
सा लिखा है, जिसने भी लिखा होगा ये वचन, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना। हम लोग अर्थ लगाते हैं कि हे भगवान आप अपनी नजरों से हमको मत गिराइए, गलत है ये, वो तो गिरा ही नहीं सकता है, उसकी तो दृष्टि हर एक के ऊपर समान है। हरि व्यापक सर्व नजर से बच्चे को नहीं हटाते, कोई भगवान अपनी नजर से अपने बालक को नहीं हटाता, कोई गुरु अपनी नजर से अपने शिष्य को नहीं हटाता। इस पंक्ति का ये अर्थ है नजरों से गिराना ना। होना क्या चाहिए, पंक्ति कहना क्या चाहती है, अपनी नजरों से गुरु को दूर नहीं रखना, अपनी नजरों से पिता माता को दूर नहीं रखना, और अपनी नजरों से भगवान को भी दूर नहीं रखना। कोई कलयुग नहीं है, आप आज भी सतयुग का जीवन जी सकते हैं। जब माता पिता हमारी नजरों से ओझल हो जाते हैं, हम उनकी ओर नजर उठाना बंद कर दें, उनको देखना बंद कर दें, जब गुरु को देखना बंद कर दे, गुरु हमारी नजरों से ओझल हो जाए, माता पिता हमारी नजरों से ओझल हो जाए, भगवान हमारी नजरों से ओझल हो जाए, दुनिया में कोई बचा नहीं सकता, उसे गड्ढे में गिरना ही है, कोई नहीं बचा पाएगा किसी प्रकार से। नजरों से गिराना ना, ये इसका ये अर्थ है। वहां से गोस्वामी जी चले आए, छोड़कर आ गए, सीधे तीर्थराज प्रयाग आ गए, संगम स्नान करते हैं, जो गृहस्थ आश्रम का वेश पहने हुए थे वो उतार दिया, वहीं त्याग दिया, और विरक्त वेश प्रयाग में ही धारण कर लिया। यहां से पुनः अवध आए, सरयू स्नान कर चतुर्मास किया है, और यहां चतुर्मास करने के बाद पुनः काशी गए। चतुर्मास जब पूरा हो गया तो गोस्वामी जी काशी गए। काशी में इन्होंने राम कथा लिखना प्रारंभ किया। बहुत विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, उस समय के विद्वानों में
सर्वोच्च स्तर के विद्वत्ता पूर्ण ये गोस्वामी जी महाराज थे, बहुत विद्वान थे। शेष सनातन जी ने बहुत प्यार से इनको शिक्षित किया था। राम कथा लिखते हैं, देववाणी में कथा लिखें, लेकिन घटना घटित तो हो गई। दिन में लिखें रात को वो मिट जाए, दिन में लिखें रात को मिट जाए, दिन में लिखें रात को मिट जाए, बड़ी मुश्किल हो गई। तो एक दिन भगवान सबके शिव के पास बैठकर रोए, प्रभु ये क्या हो रहा है, मेरा सारा परिश्रम पुरुषार्थ व्यर्थ जा रहा है, मैं जो लिखता हूँ वो मिट जाता है। तो शंकर जी ने स्वप्न में कहा कि देववाणी में मत लिखो, आगे का समय देववाणी का नहीं है, न कोई पढ़ पाएगा न कोई समझ पाएगा, भाषा में लिखो। और यहाँ नहीं, ये काशी विद्वानों की नगरी है, यहाँ भाषा को समझेंगे नहीं कोई, सब देववाणी वाले हैं, अयोध्या जाओ। वहाँ से शंकर जी का आदेश लेकर, शंकर जी के अंतर की इच्छा को लेकर गोस्वामी जी पुनः श्री अवध आ गए। जिस दिन अयोध्या आए हैं उस दिन अयोध्या में उत्सव महोत्सव जैसा माहौल था। उसी दिन मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा उदय प्रताप सिंह जी का राजतिलक हुआ था, तो पूरे देश में जितने हिंदू राजे महाराजे थे सबने महोत्सव मनाया था, दीपदान किया था, दीपावली सजाई गई थी पूरे देश में, अयोध्या में भी उसकी धूम मची थी, जितने भी आश्रम थे सब में दिवाली जैसा महोत्सव था। अवध में विश्राम किया, अगले दिन पुनः स्नान किया है और आकर ग्रंथ का लेखन प्रारंभ करते हैं। जिस समय लेखन प्रारंभ करने की सोच ही रहे थे, शुरुआत ही कर रहे थे, उसी समय भगवान शिव और पार्वती जी, सनकादिक ऋषि, नारद जी, गणेश जी सभी प्रकट होकर आशीर्वाद देने आए हैं। लेखन प्रारंभ हुआ और लिखा है, वर्णन किया है गोस्वामी जी ने कि त्रेता युग में जिस समय भगवान का अवतार श्री अवध में हुआ था, उस समय जो भी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति थी वही ठीक उसी प्रकार की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति इस बार के चैत्र मास के रामनवमी के दिन प्रकट हुई, गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। भैया साहब को जरा बिठाओ, आए सरकार आए, किधर बिठाओ, हाँ ये सीट साहब को, बहुत हम सबका सौभाग्य। अभी दोपहर मैंने आपसे चर्चा भी की थी कि हमारे ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष अध्यक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं और पूज्य शल्याकांत मिश्र जी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे हमारे उत्तर प्रदेश के, एडीजीपी से रिटायर हुए हैं और ब्रज में एक बहुत बड़े विकास का और आपने उसका तैयार किया है। कुछ दिनों के बाद आप ब्रज को अलग सुंदर चमकते हुए रूप में उसका दर्शन करेंगे। सर की बहुत बड़ी महिमा और उनका बहुत परिश्रम, आपका व्यासपीठ बहुत बहुत स्वागत करती है, प्रणाम करती है। हम लोग तुलसीदास जी का वर्णन कर रहे हैं, आज केवल तुलसीदास जी की कथा हो रही, तुलसीदास जी राम कथा। अच्छा उस समय मैं अभी वर्णन ही कर रहा था कि तुलसीदास जी जब कथा का लेखन प्रारंभ कर रहे थे तो आशीर्वाद देने के लिए उस समय शंकर जी भी आए, पार्वती जी भी आई, सनकादिक ऋषि आए, नारद जी आए, स्वयं गणेश जी आए और सरकार आपका भी शुभागमन हो गया, अब तो राम कथा पूरी की पूरी लिखी ही जाएगी। भैया गोस्वामी जी वर्णन करते, एक
नक्षत्रों की रचना स्थिति उस समय थी भगवान श्री राम के प्राकट्य के समय, ठीक वही रिपीट हुई, दोबारा से पुनरावृत्ति हुई। उन्हीं ग्रह, वही नक्षत्र, वही मंगलवार का दिन, वही दोपहर 12 बजे का समय, जो जो ग्रह जिस स्थिति में था वो वैसे के वैसे ही प्रकट हुए। रामचरितमानस का शुभारंभ राम जन्म के साथ ही हुआ है। अनेक लोगों ने आशीर्वाद दिया है, 3 वर्ष में कथा का लेखन लगभग पूरा हुआ। गणेश जी स्वयं देवलोक से चलकर आए और अपने हाथों से मानस की 5 प्रतियां लिखकर देवलोक ले गए, देवताओं को वो सुनाते। मिथिला के एक बड़े सिद्ध संत हुए रूपारण स्वामी, वो जानकी जी के प्रति पुत्री का भाव रखते थे, उन दोनों में श्री अवध आए हुए थे। वाल्मीकि जी ने उनको पूरे की पूरी रामायण का एक पारायण सुनाया। सडीला में एक संत हुए हैं, उनके शिष्य थे, तो वो वहाँ से एक कॉपी करके ले गए, उन्होंने अपने गुरुदेव को सुनाया। यमुना जी के किनारे बहुत वयोवृद्ध हो चुके थे रसकान जी, तो उनकी इच्छा थी कि मुझे सुनाई जाए, तो गोस्वामी जी वहाँ गए और रसखान जी को कई महीने तक बैठकर उन्होंने रामचरितमानस का पाठ सुनाया, पारायण किया। लेकिन उस समय की ऐसी मान्यता थी कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ समाज में उसका प्रचलन तभी हो सकता था जब काशी की विद्युत परिषद उसे मान्यता दे देती थी। आज भी हैं, सरकार की ओर से जब तक मान्यता नहीं होती तब तक बहुत सी चीज़ें लागू नहीं हुआ करती। तो काशी की विद्युत परिषद मान्यता दे, इसके लिए क्या किया जाए, तो स्वयं काशी गोस्वामी जी ग्रंथ लेकर काशी आ गए। काशी के विद्वानों को पहले से जानकारी हो चुकी थी कि तुलसीदास ने कोई ऐसा ग्रंथ लिखा है, भाषा में लिखा, तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि आएगा तो यही, मान्यता के लिए तो यही आएगा, तब बताएंगे। काशी में गोस्वामी जी पहुंच गए, विद्युत परिषद की बैठक बुलाई गई। मधुसूदन सरस्वती करके उस समय के बड़े प्रकांड पंडित विद्वान थे, बड़ी मान्यता थी उनकी, उनके पास गए। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, ये विद्युत परिषद का निर्णय है, वो निर्णय जो देगी, तुम डरते क्यों, इसमें भय क्या है तुमको। तो जब विद्युत परिषद के पास गोस्वामी जी गए तो जैसे पुलिस के बंधु होते हैं ना, आप जा रहे हैं रात्रि में स्टेशन से आ रहे हैं, अंधेरा है, तो 2 महापुरुष मिल जाते, खोलो अटैची दिखाओ, थैला दिखाओ, क्या है इसमें, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बिल्कुल वही हुआ गोस्वामी जी के साथ। विद्युत परिषद के महापुरुषों ने कहा है तुम्हारे ग्रंथ में है क्या, क्या रखा है, इसको खोल कर दिखाओ। गोस्वामी जी ने वही काशी के चौराहे पर खोल कर दिखा दिया, क्या है इसमें, क्या है, बोले इसमें भगवान का उदार श्री राम नाम है।
अच्छा इसकी कुछ महिमाएं? बोले हाँ, क्या महिमाएं? बोले ये अति पावन है, वेद शास्त्र पुराणों का ये निचोड़ है, रस है। अति पावन पुराण श्रुति सारा, ये मंगल का भवन है, अमंगल का हरण करता है। बोले इसका प्रमाण कौन दे रहा है? बोले शंकर जी। उमा सहित जय जपत पुरारी, 24 घंटे संतत जपत शंभु संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। अविनाशी भगवान शिव, विनाशी की तो बात छोड़ दीजिए, जो अनंत है, अखंड है, अजन्मा है, अविनाशी है, वो भगवान शिव सतत 24 घंटे प्रतिपल प्रतिक्षण और अकेले नहीं। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, पार्वती जी के साथ 24 घंटे जप करते। बोले ना ये भाषा का ग्रंथ। गोस्वामी जी ने कहा कि भाषा ये शाखा है, मैंने मान लिया, और सुरवाणी ये मूल है, ये भी मैंने मान लिया। भाषा शाखा है सही, सुरवाणी है मूल, लेकिन मूल रहते हैं धूल में, शाखा पर फल फूल। वो तो धूल में रहती है, मिट्टी में रहती है, फल फूल तो शाखा पर ही आते। बोले नहीं, भगवान शिव अगर मान्यता देंगे, अगर तुम शिव को बीच में ला रहे हो, ठीक है। सब ग्रंथ एकत्रित किए गए, वेद शास्त्र पुराण उपनिषद जो कुछ भी होते हैं काशी के मंदिर में एकत्रित किए। सबसे नीचे गोस्वामी जी के रामचरितमानस रखी गई, किवाड़ बंद कर दी गई, मंदिर की ताला लगा दिया गया। और अगले दिन बड़ी भीड़, विद्वानों की बड़ी भीड़ के, शंकर जी ने क्या निर्णय दिया होगा? सबको मालूम था शंकर जी तो कुछ करने वाले नहीं है। तो जब तो मंदिर का गर्भगृह का द्वार खोला तो देखा कि रामचरितमानस सब ग्रंथों के ऊपर विराजमान है, सबसे ऊपर रखे हुए। और शंकर जी ने स्वयं अपने कर कमलों से स्वर्ण अक्षरों में लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम। जब शिव मान्यता दे दें तो जय जयकार स्वाभाविक ही होनी थी। और इतनी जय जयकार, इतनी जय जयकार, इतनी जय जयकार। गोस्वामी जी कहते मेरी जय जयकार मत करो, भगवान राम की जय जयकार करो, उनके नाम की महिमा की जय जयकार करो। काशी में निवास काल में एक कथा भी कहते थे, और कथा इनकी बड़ी प्रसिद्ध भी थी। लेकिन कथा के समय में एक घटना घटित हुई। ये शौच जाने के लिए प्रातःकाल जब शौच करने जाते थे, शौच से निवृत्त होने के लिए, तो असी जो नदी है, असी नदी, उसको पार करके जाते थे। तो जब शौच आदि से निवृत्त होकर लौटते थे तो जो पात्र में थोड़ा बहुत पानी बच जाता था तो रास्ते में एक बेरिया का पेड़ था, उस पर डाल देते। स्वभावतः कई लोग अकौवा पर डाल देते हैं, कई किसी पर डाल देते हैं, कभी किसी पर डाल देते हैं, ऐसे कुछ टोटका भी होते हैं, शायद करते हैं लोग। तो उसी के पास एक पीपल के वृक्ष पर ब्रह्म पिशाच रहता था। तो जो बेरिया पर जल डालकर आते थे गोस्वामी जी, तो ये उसी को पीकर अपनी प्यास बुझाता था। एक दिन जब जल डाल रहे थे तो संयोग से इनके लोटे के जल के छींटे उस ब्रह्म पिशाच के ऊपर गिर गए, तो वो उसका उद्धार हो गया, वो प्रकट हो गया। उसने कहा कि आज आपने मेरा उद्धार कर दिया, मैं पिशाच योनि का दुख भोग रहा था, आप हमसे कुछ मांग लीजिए।
गोस्वामी जी ने कहा कि हमको राम दर्शन करा दो, हमको राम दर्शन कराइए। पिशाच ने कहा कि राम दर्शन कराने की क्षमता हमारी नहीं है, हम आपको एक रास्ता बता सकते हैं। क्या रास्ता है? बोले जब आप कथा करते हैं तो आपकी कथा में सबसे पीछे देखिए एक कोढ़ी बैठकर कथा सुनता है, वयोवृद्ध कोढ़ी है, सारा पस मवाद बुरा अस्त व्यस्त वो बैठता है, वो श्री हनुमान जी है। जब सब सुनकर चले जाते हैं वो सबसे पीछे जाता है, आप उनको कहिए जो कुछ कहना है। तो आज कथा हुई, ओ कुष्ठ वेश में हनुमान जी आए ही थे, भूत बता चुका था, कथा पूरी हुई, लोग जाने लगे, सब जब निकल गए और पीछे से वो बूढ़ा कोढ़ी जब चलने को हुआ चला तो पीछे पीछे दूर दूरी बनाकर और धीरे धीरे पीछे पीछे गोस्वामी जी चलने लगे। और चलते चलते जैसे ही काशी का भीड़ भाड़ वाला इलाका, उस समय इतनी भीड़ भी नहीं थी शहर के अंदर, काशी बहुत परकोटे के अंदर था, तो उसके बाहर जैसे निकले तुरंत गोस्वामी जी ने पैर पकड़ लिया। अरे 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 महाराज जी क्या करते, अरे मेरा तो सड़ा हुआ शरीर है, अरे पस मवाद, अरे महाराज अपवित्र हो जाएंगे। चूंकि गोस्वामी जी को तो बता चुका था पिशाच, इन्होंने छोड़ा ही नहीं और अंत में हनुमान जी के रूप में उसे प्रकट होना पड़ा। हनुमान जी प्रकट, जिस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हुए थे उसी स्थान पर आज संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर खड़ा हुआ है। बहुत सिद्ध स्थान है काशी का, जो भी काशी जाते हैं वो या तो भगवान शिव का दर्शन करते हैं या तो फिर संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि काशी में नहीं होगा, ये ज्ञान की नगरी है, भगवान भक्ति के वशीभूत है, जाओ चित्रकूट जाओ, वहाँ तुमको दर्शन होगा। गोस्वामी जी चित्रकूट आ गए काशी से। तो एक दिन कामदगिरी की परिक्रमा दे रहे थे, दो राजकुमार किशोर अवस्था के और घोड़े पर सवार होकर और शिकारी का वेश बनाकर ऐसे परिक्रमा में जा रहे थे। इन्होंने सोचा कि कोई राजकुमार है, किसी राजा के पुत्र हैं, शिकार के लिए, चूँकि चित्रकूट काफ़ी जंगली प्रदेश है, काफ़ी जानवरों का, जंगली जानवरों का बहुत वहाँ भीड़ भाड़ रहती है, तो कुछ ध्यान नहीं दिया। हनुमान जी ने पूछा स्वप्न में कि दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, बोले नहीं हुआ। अच्छा दर्शन नहीं हुआ, बोले नहीं हुआ। वो तो दो राजकुमार थे, वो तो कहीं शिकारी थे, वो तो शिकार करने जा रहे थे। बोले परसों माघ अमावस्या है, मौनी अमावस्या है और परिक्रमा लगती है चित्रकूट की, कामदगिरी की, लाखों लोग परिक्रमा करेंगे, तुम परिक्रमा में बैठो और चंदन घिसो, भगवान आएंगे तुमसे चंदन लगवाने के लिए। अभी चंदन घिस के प्रतीक्षा कर रहे हैं लोग, हजारों की संख्या में परिक्रमा दे रहे थे। दो छोटे छोटे ब्राह्मणों के से बालक, दो छोटे छोटे, बाबा बाबा हमारे तिलक लगा, अरे आगे चलो आगे चलो, ये भगवान के लिए, चलो चलो आगे जाओ। अरे बाबा हमारे भी लगा दो, हमारे देखो सब तिलक लगाए जा रहे हैं परिक्रमा में, हमारे किसी ने तिलक नहीं लगाया, बाबा हमारे, नहीं 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 ये मत करो, बहुत आग्रह किए बच्चों ने। अच्छा तो ऐसा करो बाबा, चलो तुम हमारे मत लगाओ, चलो मैं हम तुम्हारे लगाए देते हैं। और भगवान ने तुलसीदास जी के तिलक लगाए तो भाव विभोर हो गए, लेकिन समझ नहीं पाए कि ये भगवान हैं। और उतने में जब ये लगा के तो आज भी खाली जा रहे हैं, आज भी नहीं समझ पा रहे, तो पेड़ पर तोते का वेश बनाकर हनुमान जी बैठे थे और वहां से उन्होंने सावधान किया है। बड़ा प्रसिद्ध दोहा आप सब उसको गाते हैं, चित्रकूट के घाट पे और भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तो तिलक दे। भगवान सत्य गोस्वामी जी सचेत हुए, तब तक भगवान अंतर ध्यान हो गए। कई बार हनुमान जी ने गोस्वामी जी को भगवान का दर्शन कराया है, होता भगवान की कृपा से। बुद्धि भगवान को नहीं समझ सकती, सोई जान जे जान
ही भगवान को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, बुद्धि से नहीं। मन समेत जेही जानन बानी, तरकिन सकय सकल अनुमानी। मन बुद्धि से वो परे है, वो तो तर्कातीत है। सोई जानहि जेही देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। गोस्वामी जी चित्रकूट से पुनः काशी आ गए। काशी में ख्याति बहुत बढ़ गई, जो वहाँ के पंडे आदिक थे बहुत चिढ़ने लगे, बहुत चिढ़ने लगे। उन्होंने गोस्वामी जी की पोथी को चुराने का षड्यंत्र किया और उस समय के बड़े दो चोर थे सिखुआ और निधुआ, उनको लगाया कि तुम ये पोथी चुराओ कैसे। एक रात गोस्वामी सो रहे थे कुटिया में, तो निधुआ और सुखुआ गोस्वामी जी की पोथी चोरी करने के लिए आए। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों वीर का वेश बनाकर धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे थे। जब इधर आए तो राजकुमार इधर दिखाई दें, पीछे की ओर जाए तो राजकुमार पीछे दिखाई दें, दाएं जाएं बाएं जाएं, चारों ओर भगवान तो हर व्यापक सर्वत्र समाना है, हर व्यापक सर्वत्र समा। पूरी रात परिश्रम करते रहे, चोरी नहीं कर पाए, लेकिन भगवान का दर्शन करने से चोरों का भी मन बदल गया। हम लोग तो दिन रात बिहारी जी का दर्शन करते फिर भी वैसे के वैसे ही रहते हैं, कोई उसमें बहुत अंतर नहीं होता। चोर दर्शन करके ही बदल गए एकदम। और प्रातःकाल होते ही जब गोस्वामी जी जागे, एकदम चरण पकड़ कर रोने लगे, महाराज ये बताइए, ये आपकी कुटिया का ये जो दो पहरेदार पहरा दे रहे थे, इतने सुंदर दो बालक, इतने सुंदर, वो कौन थे? गोस्वामी जी समझ गए ये और कोई नहीं था, ये तो मेरे भगवान राम ही आ गए मेरी संपत्ति की रक्षा करने के लिए। इतना गोस्वामी जी को मानसिक ग्लानी का भाव हुआ कि जो कुछ भी कुटिया के अंदर, जो कुछ भी वस्त्र आदि, जो कुछ सामान था, सब ब्राह्मणों को बांट दिया और पोथी को टोडरमल जी के यहाँ सुरक्षित रख दिया। बोले आप इसकी सुरक्षा करिए। कई पीढ़ियों तक वो पोथी टोडरमल जी की कोठी में रही, उसकी पूजा सेवा होती रही। कई पीढ़ियों के बाद उस परिवार की एक लड़की की शादी हुई, उस लड़की ने चोरी से अपनी डोली में उस पोथी को रख लिया। जब वो ससुराल पहुंची तो पोथी गायब मिली, और पोथी गायब हुई तो घबराकर उस लड़की के भी प्राण चले गए, उसको भी हार्ट अटैक हो गया, उसने भी शरीर छोड़ दिया। गोस्वामी जी पहले कह चुके थे पोथी देते समय टोडरमल जी को कि ये पोथी को जिस दिन भी आप अपने भवन की देहली के बाहर निकालेंगे उसी दिन ये गायब हो जाएगी। तो यही हुआ, पोथी गायब हो गई। इधर एक घटना गोस्वामी जी की प्रतिष्ठा की और होती है। काशी नरेश ने अपने युवराज को, राजकुमार को, पहली बार शिकार में भेजने से पहले वहाँ के पुरोहित जी थे उनको बुलाया, कहा पुरोहित जी जरा मुहूर्त देखिए, कुंवर साहब कल पहली बार शिकार के लिए जाएंगे, ये देखिए कोई अनिष्ट तो नहीं होगा, कोई घटना दुर्घटना तो उनके साथ नहीं होगी, ये शिकार में सफल होकर आएंगे कि नहीं आए। तो उन्होंने जो भी ज्योतिष का क्रिया होती है उसके अनुसार देखा, बोले नहीं सकुशल आ जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। सायंकाल के समय राजकुमार का घोड़ा घायल अवस्था में, उसको तो दौड़ने में चोट लग गई थी, तो युवराज ने वो घोड़ा छोड़ दिया और कोई दूसरा घोड़ा लिया, उस पर शिकार को आगे चले गए। तो दिन छिपा तो घोड़ा लौट कर आ गया काशी में, राजमहल में आ गया, तो काशी नरेश तो घबरा गए, बोले लगता है कि राजकुमार को तो शेरों ने मार डाला, हत्या हो गई उनकी, तो ये तो मुश्किल हो गया। तो पुरोहित जी को बुलाया, पुरोहित जी ये क्या हो रहा है, आपने कहा था सकुशल राजकुमार और शिकार करके आएंगे और ये तो ये दुर्घटना के संकेत दे रहे, मृत्युदंड के लिए तैयार हो जाइए। अब तो इनकी हालत खराब हो गई। गोस्वामी जी के पास दौड़े दौड़े कुटिया में गए, महाराज महाराज रक्षा करो, ऐसे ऐसे घटना हो गई है। गोस्वामी का चिंता मत करिए। उन्होंने बैठकर 2.5 घंटे में रामज्ञ शकुनावली बनाई, जो रामचरितमानस के प्रारंभ में है, जिसमें हाथ रखकर हम लोग शुभ अशुभ को निर्धारित करते हैं कि शुभ होगा कि अशुभ होगा। और गोस्वामी जी ने कह दिया कल दोपहर 12 बजे तक राजकुमार सकुशल वापस महल में आ जाएंगे। और वही हुआ, अगले दिन 12:30 बजे के बीच में राजकुमार 6 सिंहों का शिकार करके आ गए।
उससे प्रसन्न होकर काशी नरेश ने 1,00,000 रुपए पुरोहित जी को अर्पित किए। पुरोहित जी ने वो रुपए ले जाकर गोस्वामी जी के चरणों में रख दिए। गोस्वामी जी ने कहा कि हनुमान जी की कृपा से ही राजकुमार बचे हैं, ऐसा करो इनके हनुमान जी के मंदिर बनवा दीजिए। और उस 1,00,000 रुपए से उस समय काशी में 10 हनुमान जी के मंदिर बनाए गए, जिनकी आज भी पूजा होती है, लोग उनके दर्शन करने जाते हैं। इस घटना के बाद इतनी ख्याति गोस्वामी जी को हो गई कि दिल्ली दरबार तक इसकी गूंज गई। अकबर उस समय शासन में थे, अकबर ने समाचार भेजा कि आपको बादशाह मिलना चाहते हैं, आप दिल्ली चलिए। वैसे तो राज दरबार में जाना वो पसंद नहीं करते थे, लेकिन अकबर बादशाह से मिलने की उनके अंदर एक कारण से लालसा थी। जिन दिनों में चित्रकूट में गोस्वामी जी निवास कर रहे थे, उन दिनों में महाराणा प्रताप चित्रकूट आए थे और गोस्वामी जी से मिले थे। तो महाराणा प्रताप ने गोस्वामी जी को कहा था, महाराज आप पूजा पाठ बहुत करते हैं और आपका यश भी बहुत है, लेकिन हिंदू समाज के बारे में भी कुछ आपने विचार किया है कि नहीं? दीन इलाही मत चलाकर अकबर ने पूरे हिंदू समाज के अंदर एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है, धर्मांतरण कर रहा है, हिंदुओं की बड़ी दुर्दशा है, हिंदुओं के बारे में आपका क्या कहना है, कुछ उनके बारे में भी विचार किया है कि नहीं? तो गोस्वामी ने कहा धैर्य रखिए, कुछ दिनों में सब चीजें ठीक होंगी। इस इच्छा से गोस्वामी जी भी चाहते थे कि एक बार मानसिंह से भी भेंट हो जाए और अकबर बादशाह से भी भेंट हो जाए। तो यहाँ से नाव के मार्ग से और गोस्वामी जी अनेक संतों को लेकर दिल्ली आते हैं। बीच में अनेक राजाओं से मिलते मिलते दिल्ली आए। दिल्ली में बहुत स्वागत सत्कार हुआ, पूरी दिल्ली की जनता उमड़ी स्वागत के लिए। बादशाह ने कहा कि हमको कोई चमत्कार दिखाइए। गोस्वामी जी ने कहा हम चमत्कार नहीं करते, हम भगवान का गुणगान करते। बहुत राजा ने आग्रह किया, बोले नहीं, ये हम जेल में उठाकर बंद कर दिया। जब जेल में बंद किया तो गोस्वामी जी और हनुमान जी का आह्वान किया और हनुमान जी का आह्वान करते ही 10,000 बड़े तगड़े तगड़े बंदर एक साथ दिल्ली में टूट पड़े। पूरे राजभवन को घेर लिया, किले को घेर लिया, बेगमों को नोच नोच के घायल कर दिया। हाहाकार मच गया, दिल्ली में भगदड़ मच गई, बचाओ 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 बचाओ, हाहाकार हो गया। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल ये क्या तमाशा हो गया, दिल्ली में प्रलय जैसी स्थिति आ गई। बीरबल ने कहा कि आपने एक संत का अपराध किया है और भगवान का ये स्वभाव है कि कोई मेरा अपराध कर दे। गोस्वामी जी ने लिखा है कि हाँ गालो, कोई मेरा अपराध करे, जो अपराध भगत करे करे सोने सूरी सेवक बेर
भक्त का अपराध किया है। और भगवान के घोषणा है कि मैं तो हूँ भक्त ने को दास भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्त ने को दास भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्त ने को दास तो भक्तों का दास हूं, पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। अरे भगवान की महिमा देखो, सेन नाई का वेश बनाकर भगवान रीवा नरेश की हजामत बनाने जाते, नाई बन गए भगवान। सखुबाई की उसकी अनुपस्थिति में सेवा के लिए सास ससुर इतने नाराज हो गए जब वो पंढरपुर दर्शन करने चली गई, लगता था भगवान का लौट कर आएगी, उसको तो घर में रखेंगे नहीं और भक्त की दुर्दशा होगी तो मेरी बदनामी होगी। भगवान सघुबाई का वेश बनाकर और उसके सास ससुर की सेवा करते हैं, पैर दबाती है। भगवान स्वयं महिला का वेश बनाकर, सघुबाई का वेश बनाकर चौका बर्तन करते हैं, भोजन बनाते हैं, कपड़ा धोते हैं। तो ये भगवान की महिमा है। भगवान कहते अहम भक्त पराधीन, भगत मेरे मुकुट मणि, पग चापूं और सेज बिछाऊं। बीरबल ने कहा कि आपने भक्त अपराध किया है, आप जाकर क्षमा मांगिए। जेल में स्वयं बादशाह आए, क्षमा मांगिए, महाराज माफ करिए। बंदरों का प्रकोप शांत हुआ। 8-10 दिन गोस्वामी जी दिल्ली में ही रुके, कथा शुरू की उन्होंने। चाहते थे वो कथा करना क्योंकि कुछ संदेश भी देना था। कथा सुनने के लिए दिल्ली के नागरिक तो आते ही थे, मानसिंह भी कथा सुनने आया करते थे, बहुत मन से कथा सुनते थे। एक दिन भरत और राम मिलन का प्रसंग जब गोस्वामी जी ने सुनाया तो मानसिंह सुनकर बड़े द्रवित हुए, बड़े प्रभावित हुए और उसी दिन से उनका मन बदल गया, अकबर से मन हट गया
और महाराणा प्रताप के प्रति थोड़े से आदर के भाव आ गए। एकांत में भी भेंट हुई है और यहाँ से दिल्ली निवास करने के बाद गोस्वामी जी वृंदावन आते हैं, ब्रज में आते हैं। यहाँ राम गुलेला नामक स्थान है, हमारे वृंदावन में पुराना स्थान है, वहाँ कर निवास किया है। उन्हीं दिनों में हमारे ज्ञान गुदड़ी में नाभाजी ठहरे हुए थे। नाभाजी ने एक बहुत बड़ा भंडारा कराया था तो सब साधु बुलाए थे, झरा भंडारा था, तो गोस्वामी जी भी आए। और भंडारे में प्रसाद पाने के लिए जो झरा भंडारा होते हैं, वैसे निमंत्रण वाले भंडारे में भले ही मत जाइए, लेकिन झरा भंडारे में कभी कभी प्रसाद पाने चले जाना चाहिए अपना अहंकार छोड़कर। चूँकि झरा भंडार में सभी देवी देवता और सभी मोक्ष की आत्माएं, सभी दिव्य जो साधु संत हैं जो अशरीरी वेश में निवास करते हैं, वो भी झरा भंडारा में प्रसाद पाने के लिए संतों के साथ आया करते हैं। तो उनकी झूठन प्रसादी, उनके अंगों से निकली हुई सुंदर पवित्र वायु, उनका स्पर्श, उनका दर्शन, भले ही हम न पहचाने उन्हें, लेकिन आखिर आंखें तो देखेंगी, दर्शन करेंगी ही, कभी कभी जाने में कोई बुराई नहीं होती है। मत प्रसाद पाइए तो भी कभी कभी ऐसे झरा भंडारों में, जो निमंत्रित भंडारे होते हैं उसको तो हमारे साधु समाज में कहते हैं गधा खुजावन, उसको तो हमारे साधु साई भाषा होती है ना, बड़ी चटपटी सी। गधा खुजावन माने गधे चल रहे थे तो एक गधे को खुजली लगी तो दूसरे गधे से कहा, यार बड़ी जोर की खुजली लग रही है, थोड़ा खुजा दे। तो उस गधा ने खुजा दिया। अब शाम हो गई तो घर आने का समय हो गया, तो जो गधा खुजाया था उसने, जिसने खुजाया था उसने कहा कि मैंने तो इसे खुजा दिया और मेरा तो पोती खाली चला जाएगा। तो इसको खुजली नहीं थी, फिर भी इसने कहा कि भैया मुझे बड़ी जोर की खुजली बच रही है, चूंकि अपना पोत उतरवाना था, उसको अपना जो कर्जा था वो चुकाना था। तो साधु भाषा बड़ी सधुक्कड़ी भाषा, बड़ी अटपटी होती है। तो इसको हमारे साधुशाही में कहते हैं, भाई आपको उसने अपने लड़के की शादी में बुलाया, आपने अपने लड़की की शादी में उसको बुला लिया, इसमें कौन बड़ा है? अगर कोई ऐसा जिसको कोई नहीं बुलाता उसको आदर से बुलाकर उसको प्यार से बिठा के खिलाइए, तब तो लगता है कि आपका मन बहुत बड़ा है। ये तो एक संसार का व्यवहार है, उसने आपको बुलाया, आपने उसको बुलाया, उसने आपके यहाँ डलिया भेज दिया, आपने उसके यहाँ डलिया भेज दी। तो ये साधुशाही भाषा में वो शब्द जरा अटपटे लगते हैं, इसको कहते हैं गधा खुजावन। तो गोस्वामी जी को पता लगा कि ज्ञान गुदड़ी में और झरा भंडारा हो रहा, गोस्वामी जी आगे प्रसाद पाने के लिए। हालांकि उस समय वृंदावन में उन्हें कोई पहचानता नहीं था, ख्याति तो थी उनकी देश में, लेकिन यहाँ कोई पहचानता नहीं था। भीड़ बहुत थी, जगह नहीं थी, जहाँ चप्पल जूते उतरे थे साधुओं के खड़ा वगैरह वहीं बैठ गए। तो खीर पूड़ी साग के भंडारे होते हैं बैरागियों में ज़्यादातर, ये पूड़ी बूढ़ी ये क्या है, ये मिठाई विठाई ये तो अब चल गए हैं, सबसे बड़ा भंडारा खीर पूड़ी साग का होता था। तो अब कोई बर्तन नहीं इनके पास, चुकी परसाई हो चुकी थी तो पत्तल तो पड़ी थी लेकिन वो शकोरा नहीं था। तो खीर परसने वाला आया कि खीर बाबा खीर काय में लोगे, तो जूता कर दिया, बोले इसमें डाल। अब वैष्णवों का भंडारा और कोई जूते में खीर ले रहा है तो बिल्कुल खड़िया का बाप आ गया। ऐसे साधुओं का हमारे यहाँ खड़िया पलटन कहते हैं, तो कोई और खड़िया का भी खड़िया आ गया, हल्ला हो गया, कौन आ गया, खड़िया पलटन आ गया, ऐसा है वैसा है, हल्ला मचा, चीख चिल्लाहट हुई, तो दौड़कर नाभाजी आए, हल्ला क्यों हो रहा है? तो पूछा क्या बात है, किसी से पूछा है उन्होंने क्या बात है, बोले ये जूते में खीर मांग रहा है बाबा। तो देखा कौन, अरे ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, एकदम नाभाजी चरणों में लिपट गए, महाराज मुझे तो आज आपने धन्य धन्य कर दिया, अभी तक मैं भक्तमाल लिख रहा था, अभी तक उसका सुमेरु नहीं मुझे मिल पाया था, आज मेरे भक्तमाल का सुमेरु प्राप्त हो गया आपके रूप में, आप सबसे बड़े सिरमौर हैं भक्तों में, जय जयकार हो गई, जय जयकार। तो उनके जो ठाकुर जी थे, का ठाकुर जी का दर्शन कर लेते हैं, बोले चलो। तो दर्शन करने के लिए गए तो जो पुजारी था उसका नाम परशुराम था, तो उसने सोचा कि ये तो राम भक्त हैं, ये कृष्ण जी को प्रणाम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उन्होंने एक दोहा गाया परशुराम ने, अपने अपने इष्ट को
और नमन करे सब कोई। इष्ट बिहीने परशुराम नवे सुन गुराहो। भाई अपने इष्ट को ही तो प्रणाम किया जाता है, दूसरे के तुम्हारा क्या लेना देना है। गोस्वामी जी मन ही मन मुस्करा दी, बोले अभी इनके अंदर ये भाव ही नहीं आया कि हरि व्यापक सर पुजारी जी ने के अपने अपने इष्ट को और नमन करे सबको। इष्ट बिहीने परशुराम तू नवे सुन गुराहो। सामान्यतया मेरी बात का अनर्थ मत लगाइए, लेकिन अनुभव ऐसा कहता है कि सबको भगवान पर भरोसा हो जाता है, पुजारी को नहीं होता, क्योंकि वो दिन रात उठाता बिठाता है उनको, उसको तो कभी अनुभूति होती नहीं है कि ये भगवान है। जैसे और काम करता है व्यक्ति, ऐसे वो भी पूजा भी उसके लिए काम है, पूजा काम नहीं है, पूजा एक भाव दशा है, पूजा एक भाव है। काम तो मेहरी करती है, काम तो नौकर चाकर करते हैं, माँ तो भाव से बच्चे की सेवा सेवा करती है, पालन किया करती है। गोस्वामी जी समझ गए कि इनमें अभी जागृति नहीं है, तो गोस्वामी जी ने बहुत प्यार से एक दोहा बोला, बहुत प्यार से बोले, कहा कहो छवि आज की, क्या सुंदर श्रृंगार। अच्छा भंडारा तो था ही, ठाकुर जी बहुत सुंदर सजाए गए थे, और हमारे ब्रज के मंदिरों में ठाकुर जी की जैसी सेवा होती है, श्रृंगार जितना अच्छा होता है पूरे भारतवर्ष में, इतना सुंदर मधुर श्रृंगार कहीं नहीं हुआ करता है। ब्रज का ठाकुर जी का श्रृंगार गजब, आप बिहारी जी का दर्शन करिए, फूल बंगले में निहारते रह जाइए, निहारते रह जाइए, पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता, आंखें नहीं हटना चाहती है। तो गोस्वामी जी ने कहा, कहो कहाँ छवि आज की और भले बने होना, लेकिन तुलसी मस्तक जब नभे जब धनुष बाण ले उहा। मैं तो तभी मस्तक झुकाऊंगा जब आप धनुष बाण हाथ। गोस्वामी जी दिखाना चाहते हैं कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं किसी प्रकार का। तो तुरंत घटना घटित हो गई, मुरली लकुट दुराई के और लियो धनुष सर हाथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भये भगवान श्री कृष्ण ने मुरली और चंद्रिका वगैरह सब छुपा ली और हाथ में धनुष बाण लेकर खड़े हुए। इसी को हमारी माताएं गाती हैं, कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना तुझे चले आना, कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले Amen।
दर्शन करते हुए, नैमिषारण्य में दर्शन करते हुए, अनेक संतों को मिलते हुए पुनः काशी आगमन हो गया। और काशी में कुछ दिनों के वास के बाद गोस्वामी जी फिर कहीं गए नहीं। बहुत लोगों ने आग्रह किया, बोले अब तो अंतिम चला चली का समय है, यहाँ एक बार जहांगीर मिलने आए हैं गोस्वामी जी से मिलने के लिए। प्रणाम किया, बहुत आदर सत्कार किया, बहुत सारी धन रुपया गोस्वामी जी के चरणों में रखा। गोस्वामी जी ने हाथ जोड़ दिए, वयोवृद्ध हो चुके थे, 115 वर्ष से भी ज़्यादा की आयु गोस्वामी जी की हो चुकी थी। बोले राजन इसका अब हम क्या करेंगे, अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज तुलसी, एक दिन मरण है तो कौने आवे काज, एक दिन तो मरना ही है। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज तुलसी, जा दिन मरण है कौने आवे काज, मरने के बाद इसको क्या करेंगे। बैठे बैठे एक बार जहांगीर ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की तो गोस्वामी जी के आंखों से आंसू आ गए। बीरबल बहुत विद्वान थे, बहुत तार्किक भी थे। बीरबल के चुटकुले, बीरबल की बातें उदाहरण में दी जाती हैं, लेकिन गोस्वामी जी सुनकर ईर्ष्यावश नहीं हुए, दुख के कारण कि भगवान ने इतनी विद्वत्ता दी, बुद्धिमत्ता दी, और वो बुद्धिमत्ता, वो विद्वत्ता एक राजा की चापलूसी में लगा दी, एक राजा की खुशामत में लगा दी। अरे राजा अगर प्रसन्न भी हो जाएगा तो कुछ धन दे देगा, और यही प्रशंसा अगर भगवान की करने लग जाते तो भगवान धन्य धन्य कर देते। धन नहीं, परम धन चाहिए। परम गोस्वामी जी ने लिखा है, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने, हरिश्चंद्र से सांचे बड़े, विधि से मगवा से वही पविषय सुख साने, मुन से सुख से मुन शारद से वक्ता, चिर जीवन लोमश थे अधिकाने, ऐसे भये तो कहा तुलसी जो पहचान की जीवन रामन, जाने रे जान की जीवन रामन, जाने रे जान की जीवन रामन जान। काम से रूप, काम देव से भी ज्यादा दिव्य स्वरूप प्राप्त करे, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सूर्य से भी ज्यादा आप चमक के संसार के अंदर, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील चंद्रमा जैसे सुंदर शीलवान हो गए, सोम से शील गणेश से माने, गणेश से भी ज्यादा आप बुद्धिमान हो गए, सुखदेव जी से भी ज्यादा आप बड़े साधु हो गए, बड़ी प्रतिष्ठा की हो गई, सुख से मुनि शारद से वक्ता, सरस्वती से भी ज्यादा आप बड़े वक्ता हो गए, सुख से मुनि शारद से वक्ता, चिरजीवन लोमश थे अधिकाने, लोमश ऋषि से भी ज्यादा बड़ी आयु आपको मिल गई, लेकिन ऐसे भय तो कहा तुलसी जो पे जान की जीवन राम, जीवन तो व्यर्थ कर दिया। अंत समय आ गया, लोग भीड़ आ चुकी थी कि अब महाराज जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, बिल्कुल अंत समय आया। कथा बहुत लंबी है, गोस्वामी जी का जीवन चरित्र बहुत विशद है, समय भी नहीं है इतना, केवल उसको समापन की ओर ले जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, भैया अब देर मत करो, एक तो मुझे मेरे बिस्तर से नीचे जमीन पर लिटा दीजिए, गंगा जी की रज मेरे नीचे बिछाओ और नीचे मुझे लिटा दी, अब मेरा समय आ गया। रामचंद्र यश बरनी के और होन चहत है मौन, रामचंद्र यश बरनी के भयो चहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए वही तुलसी सो। अब बिल्कुल अंतिम क्षण आ गया, भैया देर मत करो, अब मेरे मुख में कैसे तुलसी महारानी का एक पत्ता डाल दीजिए। रामचंद्र यश बरन के भयो चहत अब मौन,
तुलसी के मुख दीजिए अवही तुलसी सो। लोग रोने लगे, घेर कर खड़े। महाराज अब चलते चलते कुछ और तो बोल जाइए, कुछ चलते चलते संदेश। वो बोले जीवन भर मैंने संदेश ही दिया है, सारे जीवन भर मैं बोला हूँ, सारे जीवन भर मैंने लिखा है, अब और क्या बोलूं और क्या बचाए बोलने को। गोस्वामी जी ने अंतिम छंद बोला है, अल्प तो अवध जीव तामे बहु सोच पोछ करवे को बहुत कुछ कहा कहा कीजिए। पार ना पुराणन को भेद हु को अंत नाही वाणी तो अनेक चित्त कहा कहा दीजिए। काव्य की कला अनंत छंद के प्रबंध बहु राग तो रसीले रस कहा कहा पीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात जन्म जो सुधारो चाहो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारो चाहो राम नाम लीजिए। जन्म जो सुधारो चाहो राम नाम लीजिए। और गोस्वामी जी नेत्र बंद कर अंतिम संदेश है, यही कली काल ने साधन दूजा, यही कली काल ने साधन दूजा, जोग जग्य जप तप व्रत पूजा, जोग जग्य जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरि गाइए, राम ही सुमिरि गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण गावन संतत सुनिए, राम गुण संतत सुनिए, राम गुण गावन। ये गोस्वामी जी का अंतिम संदेश है इस कलिकाल में जिसमें हम और आप निवास कर। एक कलिकाल न साधन दूजा, किसी दूसरे साधन में उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। और बोल भी दिया, योग यज्ञ जप तप व्रत अनुष्ठान इनका निषेध नहीं है, इनको मना नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि जब चारपाई पर लेटे लेटे सोफे पर टांग पे टांग रख के बैठे बैठे केवल राम नाम लेने से बेड़ा पार हो सकता है, तो काय को भूखो मरना, काय को शरीर तोड़ना, काय को योग करना, काय को सांसें खींचना, इतना सरल करके गए गोस्वामी जी। राम ही सुमिरिए गाइए, राम है उठते बैठते सोते जागते, कलयुग केवल नाम आधारा। और उसमें भी कोई जरूरी नहीं कि राम ही राम कहें, आप कोई भी नाम लीजिए, सभी नाम भगवान के, गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, राम सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम, सारे के सारे नाम एक ही भगवान के हैं। आप जो भी पढ़ेंगे उसमें सबके नाम आपको मिलेंगे। इस कलिकाल में ध्यान लगाना बहुत कठिन है, असंभव तो नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेकर आया हूँ, मनुष्यता के नाते से मैं कुछ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मुझे भगवान के पास एक दिन जाना है, मैं कुछ बताने के लायक कुछ मेरे पास है कि नहीं मेरे थैले में मेरी गठरी में। इसलिए ध्यान रखिए, ध्यान लगे न लगे और संभव नहीं है। मन बहुत चंचल है, इंद्रियां बहुत कमजोर हैं, संकल्प शून्य है, शरीर अनेक प्रकार के रोगों से जर्जरित है, अनेक प्रकार की समाज में पड़ोस में कोलाहल है, अशांति है, जिधर देखो उधर हाहाकार है। आंख बंद करके बैठोगे भगवान तो गायब हो जाएंगे, उलझल उल बातें ध्यान में आ जाएंगी। इसलिए आचार्यों ने बड़ी सोच विचार कर
हर युग का, जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का होता है। कैसे भी भाव कुभाव अनख आलस हु नाम जपत मंगल दिस दसहु मन से बेमन से धोखे से गलती से राजी से बेराजी से जैसे भी हो भगवान का नाम लो, और सारे नाम उसी के, बिजली के तार को जानबूझकर छुओगे तो भी झटका खाओगे, अनजाने में छुओगे तो भी झटका खाओगे। नाम अपना काम करता है, औषधि को चाहे हाथ जोड़कर सटकोगे तो भी फायदा करेगी, और गाली देकर सटकोगे तो भी फायदा करेगी, और मुझे लगता है गाली देकर जल्दी फायदा करेगी, वो गाली देकर जल्दी, चूंकि मन लग नहीं सकता, मन नहीं लगता, इसमें तन लगाइए, होठों से बोलिए। अच्छा, लोग कहते हैं नाम में निष्ठा, एक नाम में नहीं, नाम में निष्ठा चाहिए, एक नाम में नहीं हो ही नहीं सकती है, संभव ही नहीं, सभी नाम उन्हीं के सभी। अरे हमारे घर में बालक होता है, दादी किसी और नाम से बुलाती है, माँ किसी और नाम से बुलाती है, बाबा किसी और नाम से बुलाते हैं, पिताजी किसी और नाम से बुलाते, दोस्त किसी और नाम से बुलाते, मास्टर जी किसी और नाम से बुलाते, तो व्यक्ति तो एक ही है, और वो सबके नाम सुनकर उनको, उनकी ओर जाता है, उनको देखता है, सब नाम भगवान के हैं। अच्छा मान लीजिए आप राधे 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 कुछ भी बोल रहे हैं, मान लीजिए आप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और मान लीजिए माइक बोल रहा है मंदिर से जोर जोर से, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, तो आप राधे 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 करने लग जाएंगे। कुछ और हनुमान चालीसा आ गया तो आप हनुमान चालीसा आपका मन करने लग जाएगा। तो ये तो होगा ही, आपके कहने से ना माइक बंद होने वाले हैं, ना कोलाहल कम होने वाले हैं, ये कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए सब नाम उनके, जो बदल जाए उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, भगवान को मालूम है कि किसको पुकार रहा है, किसको चाहता है, वो सब ठीक ठाक कर लेते हैं, उसको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। भजन के नाम पर समाज को डरपोक बहुत बना दिया है, ऐसा मत करो वैसा मत करो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, जो चाहो सो करो, भगवान का नाम लेते रहो, बेड़ा पार हो जाएगा, डरने की आवश्यकता नहीं। जब हम अपने आचरण को तो ठीक कर नहीं पा रहे, और भाई खराब मन से ऐसे वैसे हम तो ये खाते हैं ये पीते हैं, कैसे भगवान का भजन करें? छोड़ना चाहिए तो दुर्गुणों को, और छोड़ रहे हो भगवान के भजन को, कम से कम एक तो अच्छा काम करते रहो। जैसा भी बालक ये सोच लेगा कि मैं शुद्ध होकर साफ होकर ही माँ की गोद में जाऊंगा तो कभी नहीं जा सकता है। बालक माँ को देखते ही माँ की ओर चलना शुरू कर दे, जल्दी से उठाकर छाती से लगाएगी, नहलाएगी धुलाएगी, कपड़े बदलेगी, बाल काटेगी, टीका लगा देगी, फिर खेलने के लिए छोड़ देगी। इसलिए भगवान हमारे माता और पिता है, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, उनके बिना हमको न स्वच्छ कोई कर सकता है न शुद्ध कोई कर सकता है। इसलिए जैसे हो, हमारी बहन लोग गाती है ना, भगवान श्री राम, गोस्वामी जी कहते हैं जन्म जो सुधारो चाहो राम नाम लीजिए, इसे हमारी बहनें मस्ती में बहुत गाया करती हैं, राम नाम मस्तानी में तो नाचूंगी मैं रागों की रानी में तो
संदेश है, पार जाना चाहते हो, कलकाल को पार करना चाहते हो, जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए। बहुत सुंदर छंद लिखा है, अल्प तो अवध जीव जामे बहु सोच पोछ, करवे को बहुत है कहा कहा कीजिए, पार ना पुराणन को वेद हु को अंत नाही, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद के प्रबंध हो, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए,
लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो राम नाम। इसका यही संदेश था, इसलिए गोस्वामी जी का चरित्र मैंने पहली बार गाने का प्रयत्न किया। और गोस्वामी जी जो देकर गए हैं वो युगों तक उसको मान्यता रहेगी, उसको पूजा जाएगा, उसको गाया जाएगा। कभी कभी जब खाली समय होता है थोड़ी रामायण की कभी कभी चौपाइयाँ पढ़ लिया करिए, अन्यथा तो उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते खाए बेखाए नहाए बेनहाए जैसे भी मन से बेमन से भगवान श्री राम का, भगवान श्याम का, राधे का, शिव का, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है उसको गुनगुनाते रहिए। नाम बदल जाए तो भी चिंता मत करिए, सब नाम भगवान के ही है, सभी नाम भगवान के। सारी नदियां रास्ते अलग अलग होते हैं, सब समुद्र में ही जाती है, सागर में ही जाती है, कोई कहीं अटकती नहीं है, सबका मार्ग सबका गंतव्य वही है। बहुत आनंद हुआ, पूरे देश भर के बंधु बहने, और मुझे लगता है कोरोना की महामारी के बाद हम पहली बार बड़ी संख्या में सब लोग मिले हैं। और इस बीच में गंगा यमुना में बहुत जल प्रवाहित हुआ, बहुत चीज़ें बदली, हमारे बहुत प्रियजन हमको छोड़कर चले गए, कोरोना की क्रूरता ने उनको हमसे छीन लिया। कुछ उनका दर्द था, उनका अभाव भी था, मन में पीड़ा भी थी, और बिल्कुल प्रारंभ से हम लोगों के साथ रहे हुए ऐसे कई बंधु, उनका जाना हम लोगों को कसक गया। उनकी स्मृति को प्रणाम करने के लिए भी और आगामी कुछ योजनाएं, इस बार पुरुषोत्तम मास है जुलाई से और अगस्त तक, 18 जुलाई से 16 अगस्त तक। गत वर्षों में जो कथाएं हुई थी उसी प्रकार से इस बार भी कथा है, आश्रम में ही कथा होगी, उसमें केवल यजमान बंधु बहनों को प्रवेश जैसे पहला था, चूंकि स्थान की मर्यादा है, स्थान की सीमाएं हैं, आवास की भी बहुत सुविधा नहीं है, तो जो यजमान के रूप में पहले जैसे आते थे उन्हीं को प्रवेश मिलेगा। आप स्वयं और आप अपने परिचित मित्रों को भी इस अच्छे कार्य के साथ जोड़िए, ये पुनः मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। चाह हमारी इच्छा तो थी कि कल प्रातःकाल तक ये आयोजन होता, लेकिन प्रातःकाल यज्ञ करने की इच्छा थी, तो चूंकि इस हॉल में यज्ञ किया नहीं जा सकता, धुआं चूंकि एसी आदि सब लगे हुए हैं, तो कुछ व्यवस्थात्मक कठिनाई थी, तो इसलिए अब यज्ञ के लिए आपको रोकें, जिनको ठहरना है, जिनको कमरे हैं जहां ठहरना है, वो कल प्रातःकाल 10 बजे तक वो उसमें नियम तय टिक सकते हैं, लेकिन जिनको रात में ही जाना आवश्यक लगता है दिल्ली आदि, तो वो रात्रि को जा सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ के बाद बाहर चाय है, जलपान है, और ठीक 7 बजे से 9:30 बजे तक बहुत उच्च कोटि का एक प्रदर्शन दर्शन, हेमा मालिनी जी के साथ काम करने वाली टीम राधा जी के ऊपर बहुत सुंदर आपको दर्शन कराएंगी, वो दर्शनीय कार्यक्रम होगा, उसको उसका दर्शन करें। जिनको दिल्ली आदि जाना भी है तो यहाँ से 10 बजे तक तो आप वैसे ही बिहारी जी का दर्शन करके जाते हैं, भोजन करके या प्रसाद पाके तब आप जाएं। जो कार्यक्रम कल तक चलना था वो केवल इसलिए नहीं कि यज्ञ के लिए ही इतनी देर 10-11 बजे तक रोकना, और यज्ञ यहाँ किया नहीं जा सकता, इसलिए उसको हम लोग विराम दे रहे हैं। फिर हम स्वयं अपने प्रवास में आपको मिलेंगे, फिर कभी एक बार और मिलने का क्रम होगा तो फिर हम लोग सामूहिक रूप से बैठेंगे। जो मुझे निवेदन करना था वो मैंने कर दिया, कुछ सूचनाएं मैंने दिन में दी थी वो आपको पास हैं, शेष तो फोन है, बातचीतें हैं, सब हो जाती हैं। एक बात है, हाँ, ओरछा में, ओरछा एक बड़ी दिव्य जगह है जहाँ साक्षात भगवान इस कल काल में साक्षात भगवान अयोध्या से ओरछा आए, साक्षात मूर्ति नहीं आई, देखने में भगवान मूर्ति रूप में लगते हैं, वो साक्षात आए, महारानी उनको लेकर आई है वहां से,
महारानी गणेश देवी और भगवान खड़ी मूर्ति थी दोनों की, राम लक्ष्मण भगवान की, श्री राम की और जानकी जी की। रानी स्वयं अपने हाथ से करकमलों से सेवा करती थी। एक दिन भगवान की मूर्ति बोल पड़ी, रानी साहब आप इतनी कोमल हैं और कई कई घंटे आपको सेवा पूजा में लग जाता, थक जाती होंगी, आप बैठकर सेवा कर लिया करिए। तो रानी ने कहा प्रभु मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो 2-3 घंटे ही सेवा में खड़ी रहती हूँ, फिर तो मेरी सेविकाएं मेरे पैर वैर दबा देती, सेवा कर देती हैं। आप तो 24 घंटे ऐसे खड़े रहते हैं महाराज, और आप तो इतने सुकोमल हैं, अगर आप बैठ जाओ तो मैं भी बैठ के सेवा कर सकती हूँ। और अगले दिन जब प्रातःकाल मंगला आरती के लिए रानी जी मंदिर का द्वार खोलती हैं, तो खड़े हुए भगवान बैठे हुए दिखाई दिए, पत्थर की मूर्ति बैठ, ये कहीं आपने देखा नहीं होगा। तो हमारे श्री राकेश जी हैं, घनश्याम जी हैं, हमारे मंगल जी हैं, महावीर मंगल जी हैं, जो आगरा की टीम है, वो और छामे, वहाँ सीमित स्थान है, होटल में ही ठहरने की जगह है, उनके सीमित कमरे हैं। आगरा की संख्या लगभग हो चुकी है, इन्होंने 100 संख्या के लिए हम लोगों को अनुमति दी है। 5 दिन का वो आयोजन है, तो जिनको ओरछा का दर्शन करना है, ओरछा में बैठकर भगवान की मधुर कथा सुननी है, महारानी लक्ष्मीबाई के ऐतिहासिक किले को प्रणाम करना है, पीताम्बरा पीठ का सिद्ध स्थान है वहाँ का दर्शन करना है, तो राकेश जी से आप आज ही यहाँ से निकल कर संपर्क कर लीजिए, नाम लिखवा लीजिए, बाद में कोई सिफारिश नहीं चलेगी, जो बिल्कुल सीमित गिनती के ही वो हैं। ये राकेश जी खड़े हैं इधर आगरा से, राकेश अग्रवाल जी, इनको अपना नाम लिखा दें। और कोई सूचना? यही है ना, ओरछा की बात अब तो आगे की नहीं, ठीक है, आगे की कोई सूचना होगी तो ओरछा में देंगे फिर आपको, ठीक है। एक बार रात्रि को सोने वाली क्रिया का फिर अभ्यास कर लीजिए, इसको मत छोड़िए, इसे जरूर किया करिए, हाथ उठाइए। ये सोते समय बिस्तर पर बैठकर होगी, आंखें बंद करिए, बंद आंखों से भगवान की किसी भी मुस्कराती छवि की कल्पना करिए और बहुत प्यार से मेरे साथ साथ बोलिए, हे प्रभो आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही, मैं आपको सादर प्रणाम करता। माथा टेकिए, प्रणाम करें। फिर दूसरी बार, हे प्रभो आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रहे, मैं आपको सादर प्रणाम करता। माथा टेकिए, प्रणाम करें। फिर तीसरी बार, हे प्रभो आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रहे, मैं आपको सादर प्रणाम करता। सोने से पहले ये क्रिया, मैं चाहूँगा, वैसे तो अनाधिकार चेष्टा कर रहा हूँ साहब को, आदरणीय शैलजाकांत जी को, चूँकि ये हम लोग समापन कर रहे हैं, समापन पर किसी न किसी महापुरुष की वाणी से आशीर्वाद हम सबको मिले, 2 शब्द आप बोलेंगे तो इतना ही कह दीजिए कि महाराज बहुत आनंद आया, हमको सब प्रसन्नता हो जाएगी। आज हमारे इस आयोजन में दिल्ली विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान रामनिवास गोयल जी का भी शुभागमन हुआ है, हमारे बहुत बहुत बिल्कुल कथा जीवन की यात्रा के बिल्कुल शुरुआत से हम लोगों के बहुत निकटता, बहुत संबंध, व्यासपीठ बहुत 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 आदर के साथ प्रणाम करते हैं। महाराज जी प्रणाम करता हूँ आपको, आपने बड़ी कृपा की, इस योग्य तो नहीं हूँ, आप सबको भी प्रणाम करता हूँ, और आप सब जो यहाँ आज इस सभागार में उपस्थित हुए हैं, मुझे नहीं पता आप सबको अपने सौभाग्य की कल्पना है कि नहीं है। एक तो वृंदावन का क्षेत्र, और वृंदावन के क्षेत्र में ऐसे बढ़िया स्थान पे महाराज जी की ऐसी सुंदर कथा जो मुझे तो सुनने को मिली पूरी नहीं, थोड़ा देर से आया, विलक्षण महाराज जी, आनंद आ गया मुझे। मुझे पूछी देवरा बाबा की, जो आपने महाराज जी बताया था जो बंदर आ गए थे, श्री देवराह बाबा ने वो कथा मुझे बड़ी विस्तार से सुनाई थी, और ये कहा था बंदर बंदरिया जुटे कि वो सारे सैनिक वैनिक भाग चले, जब वो तुलसी बाबा की आवाज़ पे
और बाबा ने बताया, देवराज बाबा ने, महाराज जी, जब वो जो बंदरिया थी वो तो प्रहार करती थी, परेशान करती थी महिलाओं को, किसी एक बंदर ने किसी एक महिला को हाथ नहीं लगाया। अरे वाह। वो वहाँ भी वो उस शालीनता का ध्यान रखा, हनुमान जी के बंदरों ने भी, किसी एक बंदर ने किसी महिला को हाथ नहीं लगाया, लेकिन बंदरियों ने, यहाँ तक कि देवराज बाबा कहते थे महाराज की वो सुथनी, मतलब ये जो पजामा पहनती थी, वो सब फाड़ फूड़ दिए उनके, भागे लोग, बड़े बेहाल हुए। और उसमें बाबा ये बात भी बताते थे कि वो अकबर ने बहुत बेतरह रो के गिड़गिड़ा करके माफ़ी मांगी तुलसी बाबा से, तब जाके क्षमा मिली। और ये भी हुआ कि स्थान को तो अब छोड़ दो, तो वो स्थान कालांतर में बदलना ही पड़ा उनको, जहाँ पे उन्होंने तुलसी बाबा को बंद किया था, रखा था। और तुलसी बाबा की कथाएँ तो महाराज अनंत हैं ही। मेरे आराध्य भगवान श्री राम पूज श्री देवराज बाबा ने मंत्र दिया उनका, और यहाँ इस भगवान कृष्ण के क्षेत्र में अक्सर लोग ये भ्रम पाल लेते हैं भगवान श्री कृष्ण और राम जी का, इससे बड़ी मूर्खता की बात क्या होगी। हम सबके आराध्य एक हैं महाराज जी। जैसे जैसे आनंद आपने बिखेरा है यहाँ इस सभागार में, मैं बार बार कृतज्ञता सबकी ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब सूचनाएं कुछ होंगी, चाय वगैरह। रामरेवा जी दो शब्द बोलेंगे, ठीक। कार्यक्रम के तुरंत बाद चाय की व्यवस्था है, जहां पर भोजन हम लोगों ने प्रातःकाल ग्रहण किया था उसी स्थान पर जाकर सभी लोग। एक बीच में टोकता हूं, एक मिनट के लिए, ये हमारे श्री कमल गुप्ता जी हैं, ये जो ट्रस्ट है श्री कृष्ण जन्माष्टमी ट्रस्ट, उसके ये वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं, इनके साथ पूरी टीम है, 30-40 बंधु हैं शायद ट्रस्ट में मुझे लगता है, और सभी एक से एक बड़े धर्मात्मा, बड़े परोपकारी, बड़े श्रेष्ठ पुरुष। लेकिन कमल जी से हमारा अधिकार भी है, बहुत प्रेम भी रहा है, मुझे लगता है 25-30 वर्ष पुराना हमारा संबंध रहा है। जो कुछ भी आपको यहाँ सुख आनंद भोजन जलपान आवास जो कुछ भी दिया गया है वो कमल जी की कृपा से ही हुआ है, और ट्रस्ट ने इनकी इच्छा को पूर्ण किया, ट्रस्ट के सभी बंधुओं ने बहुत सहयोग किया। एक बार हाथ उठाकर श्री राधे बोल दीजिए, जय जय श्री राधे। बहुत रात्रि का भोजन तो कार्यक्रम के बाद ही रहेगा, इसी स्थान पर रहेगा। आप लोगों का आवास जहां जहां ठहरे हैं, कल सुबह 10 बजे तक के लिए सबके आवास हैं, इसलिए आज रात को वृंदावन में ही रहिए और कल प्रातः ही यहां से प्रस्थान करिए। ये पूज्य महाराज श्री की ओर से मैं निवेदन कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। प्रातःकाल चाय है कमल जी, वे इस समय बाहर चाय है। हाँ, इस समय की चाय की मैं सूचना दे, चाय पकौड़ी पूरी व्यवस्था है। आगे मत बोलो। कल प्रातः, हाँ रात्रि का भोजन, ठीक है। रात्रि के कार्यक्रम के बाद भी भोजन इसी जन्माष्टमी भवन पर ही है, आप यहां से भोजन करके तब अपने अपने आवासों में जाएं जहां पर आप टिके हैं। ठीक। सुबह रात्रि को आप रुकने के बाद प्रातःकाल जलपान की व्यवस्था भी इसी आश्रम पर है, यहीं पर आप